माइकल जल्दी से प्लेबॉय मेंशन जाऊं, वहां पर बहुत खतरनाक हमला कर दिया दुग्गन बॉस ने। ठीक है, शाही परिवार के छोटे वारिस में अभी जा रहा हूं। सुरक्षा हमला करो। सिक्योरिटी, वक्त आ चुका है रोलेक्स और डुग्गन बॉस पर हमला करने का। माइकल सर, हम पूरी तरह से हमले के लिए तैयार हैं। अगर दुग्गन बॉस तूने रोलेक्स के साथ हाथ मिलाया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होगा। माइकल, ये सब हमले मैं नहीं कर रहा, ये सब रोलेक्स कर रहा है। धक्कन, क्या तुम हमारा साथ दोगे कायो पेरिको को लूटने में? पर उसके लिए मैं बहुत सारा पैसा लूंगा। तुम उसकी दिक्कत मत लो, तुम्हें पूरा पैसा मिल जाएगा डगन बॉस। माइकल, दुनिया की सबसे खतरनाक वाली सिक्योरिटी बीबी गेमिंग हमें भेज रहे हैं आज। अब तो रोलेक्स को भगवान भी नहीं बचा सकता मरने से। सिक्योरिटी, तुम्हारा स्वागत है लॉस सैंटोस में। शुक्रिया माइकल सर। सो यो, व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और GTA 5 की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। गाइस, आप सब लोगों को दिख रहे होंगे बहुत सारे गार्ड्स अपने घर पे, क्योंकि गाइस सिचुएशंस ऐसी हो चुकी है ना शहर में काफी खतरनाक वाली, और तपती हुई गर्मी में देख सकते हो गाइस, हम तो छाता लेके बाहर निकले हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलते ऐसी गरम गरम हवा चल रही है ना, बैस की हवा टाइट होगी भिड़ लोगों मेरी तो। बाकी आप पीछे देख सकते हो कितने तगड़े तरीके से हमारी पूरी सिक्योरिटी भाई काफी तगड़े तरीके से इधर की साइड खड़ी हुई है। बाकी गाइस, आज मैं प्लेबॉय मेंशन की साइड जाने वाला हूं, क्योंकि उधर की साइड गए हुए हमें काफी टाइम हो चुका है जैसा कि आपको पता ही है, और उधर की साइड कोई सीन भी हो रखा है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, पर उसके बारे में अभी कंफर्मेशन वगैरह नहीं है, तो वो सारी चीजें अभी देखने वाले। पर पहले यहाँ पे देख सकते हो भाई, दो दो लग्जरी ब्यूटी आई हुई है। तो गाइस, एक बार मैं अपने छाते को तो अंदर रख दूं,
चलो छाते को मैंने अंदर रख दिया है और आप देखो बाहर की साइड क्या लग्जरी दो दो ब्यूटीज आई हुई है आज इधर की साइड। कल रात को मैं रॉयल फैमिली के उधर की साइड गया था शोरूम में हमारे पास कुछ नया स्टॉक आया हुआ है तो स्टॉक को मैंने उठा के इधर की साइड लाया क्योंकि इस गाड़ी की टेस्टिंग वगैरह करनी थी। बाकी ये VIP नंबर के साथ आई है, इम्पोर्ट करवाई है तो भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त वाली मर्सिडीज GT63 इसका नेम है भाई, काफ़ी मुश्किल नेम है, एक तो नाम याद करने में मेरे को 2 दिन लग गए रिपीट दो को, बाकी कोई दिक्कत नहीं भाई। आगे साइड देख सकते हो मर्सिडीज का लोगो है और पीछे खड़ी है भाई टोयोटा की भाई साहब लैंड क्रूजर, भाई साहब कितनी तगड़ी लग रही है रेड कलर में देख सकते हो भाई, एक नंबर सिस्टम सेट करने वाले और इसकी लाइट वगैरह भी जल रही है देख सकते हो, LED लाइट्स यहाँ पे दिख रही हो आप दिख रही होगी, RGB वाली लाइट्स भी काफ़ी ज़बरदस्त वाली और आगे की साइड भी यहाँ पे भी देख सकते हो कितनी खतरनाक जल रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं गाइस, आज हमें करना क्या है गाइस, जैसा कि आपको बताइए हम एक नया बिजनेस वगैरह भी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें गैंग वगैरह से डील करनी पड़ेगी और गैंग वगैरह से डील हम इसलिए करेंगे जैसा कि आपको पता है हमारा शोरूम गैंग के एरिया में है तो उधर की साइड सीन ऐसा गाइस कि वहाँ पे सबसे पावरफुल गैंग अभी बताई जा रही है साउथ वाला जो गैंग है वो उधर की साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है तो उनसे हम आज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने वाले हैं कि तुम हमें मतलब कि पूरी सिक्योरिटी वगैरह दो हमारे शोरूम वगैरह की साइड, हम तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो प्रोवाइड करेंगे तो देखते हैं उनकी डिमांड्स वगैरह क्या रहती है। हम तो सिक्योरिटी वगैरह के लिए जाने वाले हैं क्योंकि गाइस आप सब लोग को पता है लास्ट टाइम ये सीन हुआ था कि हमारे पास बैकअप के लिए कुछ भी चीज़ नहीं थी तो इस बार गैंग वगैरह का हम बैकअप वगैरह भी रखने वाले हैं अगर हमारे शोरूम वगैरह पे कुछ भी होता है। बाकी देखते हैं गाइस जो भी होता है, बाकी यहाँ पे देख सकते हो भाई पूरी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट तरीके से खड़ी कर दी हमने, कोई भी दिक्कत इधर की साइड अभी तक तो हो नहीं रही है। बाकी गाइस एक बार अंदर की साइड भी आप सब लोग को दिखाऊँ तो भाई पूरी साफ सफाई वगैरह कर ली और गाइस मेरी फैमिली भी काफ़ी जल्दी अराइव होने वाली है अगले आने वाले कुछ एपिसोड्स में, आप सब लोग को वो नज़र आने वाला है काफ़ी तगड़े तरीके से। बाकी इधर की साइड देखे तो भाई पूरा क्लीनिंग वगैरह करा दिया, पूरा घर पूरा सेटअप करवा दिया क्योंकि कभी भी हमारी फैमिली वगैरह इधर की साइड आए तो उन्हें कोई दिक्कत ना है क्योंकि एक चाकू से लेके एक सिंक तक मैंने सेट करवा रखा है इधर की साइड देख सकते हो, सारी चीज़ें स्टेबल हो चुकी है पूरे मस्त तरीके से इधर की साइड रखवा दिया है। और बात रही गाइस कायो पेरिको के जो अटैक वगैरह हम करने वाले हैं तो गाइस आज सीन ऐसा करने वाले हैं हम जाने वाले हैं जो डगन बोस है ना उसके घर के उधर की साइड एक सरप्राइज विजिट देने उसे, अगर वहाँ पे हमें रोलेक्स दिख गया तो हमें फिर कायो पेरिको वगैरह जाने की जरूरत नहीं है और नहीं दिखा तो फिर तो हम 100% भाई कायो पेरिको पे अटैक वगैरह करने वाले हैं। बाकी ये वाली फोटो देख सकते हो गाइस इंडिया से ये मैंने पेंटिंग वगैरह मंगाई है ताजमहल वगैरह की और काफ़ी ज़बरदस्त वाली। बाकी गाइस मेरी फैमिली का आपको इंट्रोडक्शन कराऊँ तो ये मेरा बेटा जिमी और ये मेरी बेटी है ट्रेसी और पीछे आप सब लोग को दिख रही होगी एक सेक्सी ब्यूटीफुल वाइफ मेरी, क्या बात है काफ़ी मजेदार जबरदार चीज़ है। बाकी गाइस मेरी फोटो आपसे लोग को नहीं दिखी होगी तो इस वाली फोटो में मैं चिकना माइकल दिख रहा हूँ आपसे लोग को देख सकते हो, थोड़े बाल वगैरह मैं देख सकते हो अपनी जवानी में छोटे रखता था बिल्कुल देख सकते हो। बाकी अवार्ड वगैरह मेरे को पहले मिले थे और बाकी यहाँ पे देखो वाइन वुड की जो फोटो लगा रही है इधर की साइड, गाइस इधर की साइड देखो हमारा विला नहीं दिख रहा फोटो में पर आप यहाँ की साइड देखो जस्ट यहाँ पे रोड के इधर की साइड हमारा विला वगैरह भी है और काफ़ी ज़बरदस्त सीन है। बाकी गाइस जिमी का घर अपना जो बेड है वो भी इधर की साइड अभी नहीं है ना तो ये सारी चीज़ें अभी वो होने वाली है। बाकी जिमी का जो बेड वगैरह सब कुछ मैंने देख सकते हो पूरी चीज़ें सेट करवा दी, उसका कमरा भी मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इधर की साइड देख सकते हो बेड वगैरह सारी चीज़ें लगवा दी है, लाइट वगैरह भी लगनी बाकी है तो उसमें लाइट वगैरह भी हम काफ़ी जल्दी लगवा देंगे और उसके लिए प्ले स्टेशन वगैरह PS5 वगैरह सब कुछ मैंने खरीद के रखा है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस इधर की साइड मस्त सीन है, मेरे लिए बेड वगैरह लाना है और जो मेरी बेटी है ट्रेसी उसके बारे में आप सब लोग को दिखाऊं तो गाइस उसका कमरा मैंने बिल्कुल मस्त तरीके से करवा दिया है, वो बहुत जल्दी आप सब लोग को यहाँ पे देखते हो खेल कूदते हुए दिखेगी और शीशा भी लगवा दिया एक नंबर सिस्टम सेट करने वाला। बाकी सुबह सुबह हो चुकी है रोशनी देखो कितने तगड़े तरीके से आ रही है, क्या मस्त लग रही है भाई। कोई भी दिक्कत नहीं गाइस इधर से मैं अभी निकल रहा हूँ भाई साहब अपने भाई साहब एक काफ़ी ज़बरदस्त काम करने के लिए जो कि हमारा प्लेबॉय मेंशन है जैसा कि आपको पता है, उधर की साइड मेरे को सीन वगैरह देखना है और बाकी सिक्योरिटी वगैरह के चीफ वगैरह को मैं बोल देता हूँ कि अगर देखो मेरे को अगर बैकअप वगैरह की कुछ भी दिक्कत पड़ती है तो मैं तुम्हें बोल दूंगा ठीक है चीफ, तो अपनी बैकअप आर्मी के लिए रेडी रखना क्योंकि तुम्हें इधर की साइड से नहीं आना, जो मैंने दूसरी सिक्योरिटी बोली है उसको जाके कंफर्मेशन वगैरह दे देना ठीक है। चलो गाइस तो हम इधर की साइड से अब निकलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है और काफ़ी चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी है। बाकी इंजन देख सकते हो कोल्ड स्टार्ट करते हैं कितनी तगड़ी लग रही है और भाई साहब मर्सिडीज़ तो भाई मर्सिडीज़ है जैसे कि आपको बताइए। तो गाइस यहाँ से प्लेबॉय मेंशन काफ़ी ज़्यादा करीब है, उधर की साइड मैं निकल रहा हूँ। बाकी यहाँ पे देख सकते हो अपनी मर्सिडीज़ क्या लग रही है, वीडियो
एक नंबर रेड ब्यूटी बीस्ट 0001 नंबर के साथ VIP ही कह दे। बाकी गाइस आप तो लोग मेरी सुपरा वगैरह के बारे में पूछ रहे थे, तो भाई सुपरा तो अपनी जो है अभी मॉडिफिकेशन पे गई है, जैसे कि आपको मैं फिर से बता दूँ उसकी मॉडिफिकेशन गाइस हम बैनी से तो नहीं हो पाई, उसको हमने भाई साहब एक काफ़ी ख़तरनाक वाले शोरूम वगैरह में भेजा है जो लॉस सैंटोस से आउट ऑफ स्टेशन है, तो वहाँ पर वो गई है, वहाँ से वो मॉडिफाइड होके आएगी काफ़ी ज़बरदस्त वाली। और गाइस काफ़ी बंदे कह रहे थे कि MK5 वाली सुपरा, ओके ब्रो आई गोट इट। बाकी हम प्ले बॉय मैंशन के इधर की साइड पहुंच चुके हैं, अभी तक तो मेरे को कोई सीन वगैरह ऐसा नज़र नहीं आया। बाकी इसकी एंट्री वगैरह लेते चलो, इधर की साइड से पूरा सीन वगैरह मैं देखता हूँ, पहले बाहर की साइड से अंदर की साइड चलते चलो। अरे भैंस की गेट वगैरह भी जाम हो रखा क्या? अरे यार चाबी वगैरह मंगानी पड़ेगी गेट वगैरह की, तो गाइस हमें थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि गेट की चाबी तो मैं लाना ही भूल गया भैंस की आँख। तो फ्रैंकलिन वगैरह को बोलता हूँ या किसी सिक्योरिटी गार्ड को बोलता हूँ तो वो गाड़ी की चाबी वगैरह लेके आएंगे और फिर इधर की साइड से गेट भी खोलेंगे, और अंदर जो गाड़ियाँ खड़ी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। जो गाड़ी की चाबी की बात कर रहा हूँ ना वो आपसे लोगों को, जो अंदर हमने काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्स मंगा रखी है वो भी मैं आपसे लोगों को दिखाने वाला हूँ, तो थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा। जितने आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितने हम मिलते हैं आपसे लोगों से फिर लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फ्रैंकलिन ने एक बंदे को, यहाँ पे पड़ोस में बंदा रहता है, इसको चाबी वगैरह देके गया था, तो इसको मैंने फ़ोन वगैरह करा तो इधर की साइड आ चुका है, और हमने भाई गेट वगैरह भी खोल दिया है। तो गाइस गेट वगैरह थोड़ा सा हार्ड खुल रहा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा भाई इसमें ग्रीस की जरूरत है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी अंदर की साइड चलते हैं चलो लेट्स गो। चलो थैंक यू सो मच मेरे भाई प्यारे भाई, चलो कोई भी दिक्कत नहीं, बाकी यहाँ से अब आगे की साइड बढ़ते तो अपने घर की साइड, चलो चलने दो चलने दो। बाकी गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मतलब सही है। बाकी यहाँ पे फ्रैंकलिन इस गाड़ी को इधर की साइड ही छोड़ गया क्या? चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ पे पार्किंग में लगा देता हूँ मैं भी गाड़ी वगैरह, चलो या आगे की साइड लगाऊँ? चलो यहीं पे लगा देते हैं अभी तो, चलो यहीं पे सही है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। गाइस अपने मलिबो मैंशन की साइड भी आज हमें जाना है, और इधर की साइड भी आपसे लोगों को मतलब जो अपने सिटी के दोनों बड़े मैंशन हैं वो आपसे लोगों को दिखाने वाला मैं। प्ले बॉय मैंशन की इधर की साइड आ चुके हैं, और सामने की साइड एक सेकेंड गाइस बाद में बात करेंगे, पर यहाँ पे ये किसकी सिक्योरिटी खड़ी हुई है इतने? भाई मैंने तो कोई सिक्योरिटी इधर की साइड भेजी नहीं। ओ भाई ये डगन बॉस की तो सिक्योरिटी नहीं है गाइस, एक सेकंड मेरे को देना, एक बार फ़ोन वगैरह में मैं कैमरे में जूम करके देखता हूँ, ये डगन बॉस की है। और भाई ये रोलेक्स की सिक्योरिटी इधर की साइड क्या कर रही है भैंस की आँख, और इतने ज़्यादा अमाउंट में? एक सेकेंड भीड़ को कुछ तो सिस्टम सोधा पानी इधर की साइड चल रहा है। एक सेकंड मेरे को गन वगैरह निकालने दो भाई, एक तो गाड़ी में से मेरे को गन निकालने दो क्योंकि गाड़ी में मैं गन रख लेके आया हूँ। बाकी एक बार ऊपर की साइड चल के मेरे को देखना पड़ेगा पूरा सीन, लेट्स गो। यहाँ पे ये उठा ली तेरे भाई ने गन, और अब देखो इसकी बैंड तो मैं बजाने वाला हूँ काफ़ी तगड़ी वाली, क्योंकि इधर की साइड ये सिक्योरिटी क्या कर रही है हमारे मैंशन पर? इनको इतनी इन्फॉर्मेशन किसने दी कि मैं इधर की साइड आने वाला हूँ? पीड़ो लोगों भैंस की आँख। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सीढ़ी वगैरह लगी हुई है, पीछे से हम ऊपर की साइड चढ़ेंगे, और इनकी भैंस की आँख या तो मेरे को सिक्योरिटी वगैरह को बुलाना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा आगे की साइड इनकी बैंड बजाने के लिए मैं इनफ हूँ या फिर और बंदे भी बुलाने पड़ेंगे। बाकी यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक सीन तो हो चुका है को, बाकी यहाँ से ऊपर की साइड से मैं चढ़ चुका हूँ भाई साहब, एक तो डेंजर सी लग रही है भाई, कितनी ख़तरनाक जगह है ये, और यहाँ पे से अब मुझे आराम आराम से आगे की साइड से जाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त जगह सी मेरे को ये लग रही है इधर की साइड को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखा जाए तो भाई कितनी सिक्योरिटी है भाई, बहुत सारी सिक्योरिटी इधर की साइड देखा जाए तो भाई। प्ले बॉय मैंशन की छत पे मैं चढ़ा हुआ, और यहाँ से मैं सारी चीज़ देख रहा हूँ, भैंस की आँख इनकी इतनी सिक्योरिटी कहाँ से आ गई भाई? भाई 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 ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते इधर की साइड से, बाकी मैं पीछे की साइड से कवर लेके इनको मार सकता हूँ बिल्डों को यहाँ से, पर मुझे सिक्योरिटी का भी बैकअप चाहिए होगा बिल्डों को, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास नई नई सिक्योरिटी आई हुई है तो उसका हम इंतजाम भी कर सकते हैं। और इधर की साइड से देखूँ तो भाई कितने ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे सिक्योरिटी खड़ी हुई है भैंस की आँख। भाई 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 कुछ तो काफ़ी ख़तरनाक वाला सीन करना पड़ेगा, हमें सिक्योरिटी वगैरह को बुलाना पड़ेगा और नीचे से बैकअप वगैरह मांगना पड़ेगा, तभी कुछ होगा बिल्डों को, क्योंकि इतने बंदों को मैं अकेला तो नहीं मार सकता आप सब लोगों को बताइए। बाकी एंगल मेरे पास काफ़ी तगड़ा है पर यहाँ से नहीं हो पाएगा बिल्डों को, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार अपनी सिक्योरिटी वगैरह को बुलाते हैं और इधर की साइड इनकी धुनाई तो अभी करवाते हैं लेट्स गो। उसके लिए आप सब लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बिल्डों को, तो जैसे सिक्योरिटी वगैरह को कॉल वगैरह करते हैं और उनको बुलाते और इधर की साइड आते फिर अटैक करते हैं इनके ऊपर काफ़ी ज़बरदस्त वाला। डक्कन की सिक्योरिटी इधर की साइड क्या कर रही है भैंस की आँख इसकी, तो यहाँ पे नीचे ना काफी ज्यादा हलचल हो रही है, शायद इन्हें हमारा पता चल चुका है। ओ भाई सही में पता चल गया इनको तो भैंस की आँख, भाई एकदम से कैसे शूट किया इन्होंने, शायद मेरे को देख लिया नीचे से ऊपर की साइड से इनकी बैंड में बजाता हूँ। रुको 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 थोड़ा सा मुझे कवर चाहिए, नहीं 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 इधर की साइड लाइन। ओ भाई मैं तो इनके बीच में आके गिर गया हूँ,
बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इधर की साइड आ चुकी है। बाकी यहाँ से देखो दूर से हम इनको आराम से मार सकते हैं। भैंस की आँख इनकी भाई, काफ़ी ज़्यादा बंदे इधर की साइड। ये इधर की साइड क्या कर रहा है, इधर से रोटेट मारेगा तेरी भैंस की। ये ले बेटे, इधर की साइड से आएगा तू, इसको तो बना दे चिंपैंजी। बाकी सामने की साइड देखिए तो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है, तो मेरे को थोड़ा सा पीछे की साइड जाके कवर लेके यहाँ से मारना पड़ेगा। बिल्कुल वो यहाँ से मैं इनको मार सकता हूँ पीछे इधर की साइड से। ये लो बेटा, ये लो भाई, मेरे ऊपर रश वगैरह कर रहे हैं। इनको मैं खिलाता हूँ आज पबजी। भैंस की आँख इधर की साइड, आओ इधर आओ तो आने। भैंस की आँख भाई, सारे बंदे मैंने लिटा दी इधर की साइड। मेरे को काफ़ी जल्दी भाई इधर की साइड आ गया भाई, इधर की साइड तक आ गए हैं। और हमारी सिक्योरिटी अभी तक नहीं आई, और इन्होंने भाई मेरे को लग रहा था ऊपर की साइड से मेरे को देख लिया है। बाकी यहाँ पे देख लो, काफ़ी जबरदस्त वाली सिक्योरिटी की फाइट होती है डजन बॉस की सिक्योरिटी के साथ। और भाई यहाँ पे देख लो, एक गोली में तो मर ही नहीं रहे हैं भाई। बेस्ट वगैरह पे जब तक इनकी डैमेज भाई नहीं कर रहे भाई, काफ़ी खतरनाक वाले पीछे से इधर से भी पूरे आ चुके हैं। इतनी सिक्योरिटी इधर की साइड भेजी है डजन बॉस ने मेरे को मारने के लिए। ये ले बेटे, ये ले तू भी ले भाई। अभी तक ना काफ़ी खतरनाक वाला फील हो चुका है इधर की साइड। सारे बंदे मैंने ऑलमोस्ट लिटा दिए, कोई बचा तो नहीं है। इधर की साइड तो पूरा ढेर लगा दिया, देख सकते हो तो आप से लोग भाई, काफ़ी खतरनाक वाली। अरे कहाँ से पीछे से आगे से भाई, कहीं तो छुप के और भी गोली मार रहा है कोई बंदा, तो देखना पड़ेगा है किधर साइड ये भाई। कुछ बंदे अभी भी बचे हुए हैं, तो इधर की साइड से मेरे को देख के फाइट लेनी पड़ेगी भाई। काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो चुका है बिल्डो को इधर की साइड। कहाँ से गोलियाँ वगैरह चला रही है, और देखो ऊपर की साइड उधर देख रहे हैं मेरे को। भैंस की आँख इनकी भाई, ऊपर की साइड मेरे को उधर की साइड देख रहे थे। और भाई थोड़ा सा कवर में लेके जाना पड़ेगा ऊपर की साइड से, उसको बढ़िया एंगल मिल रहा है भाई। देख सकते हो भाई इधर की साइड और भी कोई बंदा है ऊपर की साइड से, मेरे को भाई एंगल लेके मारना पड़ेगा। वहाँ से भी भाई थोड़ा सा देखना पड़ेगा सिस्टम भाई। भाई भाई नहीं 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 नहीं, पीछे से भी गोलियाँ पड़ रही है भाई इधर की। ओ भाई चारों तरफ बंदे, पीछे की साइड से इनका बैकअप अगर आ चुका मेरे को लग रहा है। और अभी तक मेरी सिक्योरिटी इधर की साइड नहीं पहुंची, देख सकते हो भाई काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है। मैं यहाँ से इनके ऊपर एम वगैरह कर सकता हूँ। देखो दो बंदे उधर की साइड है, एक इधर है और एक नीचे। यहाँ पे देख सकते हो भाई, आगे की साइड से मुझे भाई पूरा अटैक वगैरह करना पड़ेगा। तो यहाँ से भाई इस बंदे को तो मैं लिटा सकता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ओ भाई सामने की साइड में बंदा भाई, कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं। काफ़ी ज़बरदस्त भाई फाइट हो चुकी है प्ले बॉय मैंशन पे। तो भाई देख तो इस वाले बंदे को पहले मेरे को मारना पड़ेगा कवर में रह के। इसका एंगल मिल चुका है मेरे को। ये ले बेटे, ये ले तू तो। और ये दूसरा भी मारा गया। चलो कोई दिक्कत नहीं आई, जहाँ पे रिलोड वगैरह करके इधर की साइड से मैं इनको आराम से मार सकता हूँ यहाँ पे। ये ले बेटे, एक तो गया, चलो दूसरे। ओ नहीं 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 नहीं, कवर लेना पड़ेगा। ये वाली गोली किधर से आई, ऊपर की साइड एक और बंदा बचा गाइस। ओ दोनों भाई नहीं मरा, वो कवर ले लिया उसने। एक सेकंड, या तो मेरे को इधर की साइड से पोजीशन वगैरह चेंज करनी पड़ेगी। थोड़ा छुप छुप के आगे की साइड जाता हूँ, इधर की साइड से इजी मार सकता हूँ इनको। देखो इधर की साइड से उनको कवर नहीं मिलेगा, मैं इधर की साइड से उनको दिख भी नहीं रहा, देख सकते हो ऊपर की साइड से। यहाँ से अब देखो से यहाँ से, ये ले बेटे, एक तो गया दूसरा भी गया। लेट्स गो। ये कहाँ छुपा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हो भाई पेड़ों के बीच में छुपा हुआ है इधर की साइड, देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। बाकी यहाँ पे काफ़ी खतरनाक वाला कवर भी मैंने ले लिया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, चलो बढ़िया भाई। इधर की साइड कोई भी दिक्कत मुझे लग नहीं रही है, तो अब हम यहाँ से भाई निकल जाना चाहिए जितना इनका बैकअप वगैरह आता है उससे पहले मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। और सिक्योरिटी को बुला के भाई इनके ऊपर अटैक वगैरह कराना पड़ेगा। बाकी काफ़ी खतरनाक सीन हो गया, देख सकते हो सारी सिक्योरिटी को तो मार दिया जो डगन बॉस ने और भाई रोलेक्स ने मेरे को मारने के लिए भेजी थी। इनको किसी ने टिप्स वगैरह दिए कि मैं इधर की साइड आने वाला हूँ गाइस। मैं कुछ और काम करने आया था, क्योंकि मैं आपको गाड़ियाँ वगैरह दिखाने वाला था। और इधर की साइड देखो भाई अलग ही सीन हो रहा है यहाँ पे, तो देखो तो भाई पूरे बंदों को भाई
इनकी बहस क्या, इन पे तो भाई इनका तो मैं करता हूँ सिस्टम यहाँ पे। ये लो बेटो, तुम्हारा तो सुहा हो गया अब यहीं पे। बहस क्या इनकी, देखो सारे बंदों को मैंने जला दिया इधर की साइड, ताकि कोई बच भी गया होगा तो पूरा सिस्टम सेट हो जाए। बाकी यहाँ पे देखते तो इनका तो हो चुका है काफ़ी खतरनाक वाला सीन। देख सकते हो नेड वगैरह मेरे पास ऑलवेज रहते हैं जैसे कि आपको पता ही है, इसका तो मैंने बना दिया बैंड। और भाई इधर की साइड आग वगैरह भी लग चुकी है, भैंस की आग। भाई ये तो काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है यहाँ पे। देख सकते हो भाई अपने प्लेबॉय मेंशन पे आग वगैरह भी लग गई है, भैंस की आग, एम्बुलेंस वगैरह है। और भाई मैं तो जा रहा हूँ सीधा भाई अभी यहाँ पे से घर की साइड या फिर कहीं और जहाँ पे भाई मेरे को पूरी पट्टी वगैरह करानी पड़ेगी, काफ़ी चोटें मेरे को आई। और गाइज आज हमारी मीटिंग भी है बालाज गैंग से, तो वो भी देखनी पड़ेगी। और यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी वो भी लेके भाग चुके हैं, मतलब बैकअप के लिए इनकी भाई गाड़ियाँ वगैरह आने वाली होगी, तो हमें फटाफट भाई प्लेबॉय मेंशन की साइड से निकलना ही होगा। भैंस की आँख भाई, काफ़ी खतरनाक सीन हो चुका है गाइज यहाँ से। तो अभी भाई फटाफट इधर की साइड से हमें भाग जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त सीन हुआ बिड़ो को इधर की साइड। आपसे लोगों ने देखा बैकअप वगैरह जितने आता तो हम इधर की साइड से निकल लेते, क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाला सीन इधर की साइड हो रखा है। भाई 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 भाई, तो गाड़ी भी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है ना ये वाली, भाई साहब काफ़ी ज़बरदस्त सीन हो गया गाइज इधर की साइड। तो आप सब लोग देख सकते हो काफ़ी खतरनाक वाली फ़ाइट वगैरह हमने करवा दी, और भाई ज़बरदस्त वाला सीन हुआ है। और गाइज उधर की साइड सिक्योरिटी वगैरह को मैंने इन्फॉर्म करा था, पर भाई सिक्योरिटी वगैरह शायद काफ़ी दूर वाली इन्होंने भेजी। तो भाई कितना टाइम लग रहा है भाई साहब टेक्नो विहान भाई की अपडेटेड वाली सिक्योरिटी को इधर की साइड पहुँचने में भाई, क्योंकि वो उधर की साइड आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो भाई ये गाड़ी इतनी भाई साहब ड्रिफ्ट मार रही है ना अभी भैंस के यहाँ। तो चलो कोई दिक्कत नहीं गाइज, अभी इधर की साइड तो निकलते हैं। और भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाला कहीं पे तो बेस वगैरह भी मेरे को जाके भाई अभी जाना पड़ेगा, या फिर सीधा हॉस्पिटल की साइड चलते हैं, वहाँ पे भाई साहब कुछ ऐसा सीन करवाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, इधर की साइड से तो निकलते हैं और सीधा उधर की साइड ही आपसे लोग को मिलते हैं। हॉस्पिटल वगैरह की साइड में निकल रहा हूँ, तो वहीं पर जाके आपसे लोग को मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइज फाइनली हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह आई, और भाई यहाँ पे चेकअप वगैरह हुआ। गाइज थोड़ा सा ना दर्द सा हो रहा है, मेरे हाथ से टच होके थोड़ी गोलियाँ निकली है, क्योंकि भाई बीच में तो मैंने पहन रखी थी वेस्ट वगैरह, तो उसकी वजह से मैं बच गया। पर यहाँ पे फिर डॉक्टर साहब ने मेरा बढ़िया इलाज वगैरह कर दिया, पट्टी वट्टी कर दी। गाइज अभी ना रेस्ट करने को बोला है, पर भाई मैं अभी रेस्ट वगैरह नहीं कर सकता, क्योंकि गाइज अभी सीन ऐसा चल रहा है कि गाइज आज हमें मीटिंग वगैरह भी करनी है गैंग वगैरह से काफ़ी ज़बरदस्त वाली, तो वो सारी चीज़ें देखनी। और गाइज फिर मैंने इस वाले सिक्योरिटी को इधर की साइड फ़ोन करके भाई बुलाया, तो सिक्योरिटी इधर की साइड गाड़ी वगैरह लेके आई, जो हमारी दूसरी गाड़ी थी उसमें सुन रही, जैसे कि आपने देखा रोड की उधर की साइड काफ़ी डेंटिंग पेंटिंग हो गई थी, तो उसको तो मैंने इधर की साइड से भिजवा दिया। बाकी गाइज अभी मैं जा रहा हूँ रॉयल फैमिली की छोटे वारिस के पास, क्योंकि वहाँ पे भाई काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ करनी है डिस्कस मुझे, क्योंकि गैंग वाले जो जो डिमांड करेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारी शोरूम के लिए हम गैंग वगैरह वालों से हाथ वगैरह मिलाने वाले हैं, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए गाइज इधर की साइड से निकल चुका हूँ मैं। तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग्जरी गाड़ी मंगवाई मैंने रॉयल फैमिली के भाई गैरेज से, तो भाई साहब रेंज रोड वगैरह उठा के ले आए सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, अपनी सिक्योरिटी उधर की साइड खड़ी है, जो टैबलेट्स वगैरह देगा डॉक्टर वो हम ले लेंगे। बाकी इधर की साइड से तो हम निकल चुके हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है वैसे रेंज रोड भी देखी जाए। अरे भैंस की आँख एकदम से भाई कट मार रहा है, वो भी मेरे आगे। रुक जा तना बना चौधरी, आ जा बेटा आ जा, मुन्ना मुन्ना नीचे आ जाओ। पर अभी इसके साथ को रे कॉलेज का लौंडा है ना, आ जा बेटे तेरे को कट मारना सिखाता हूँ मैं, कट कैसे मारते हैं, आओ आओ मुन्ना नीचे आओ। अरे यार ये पापा की परी है, छोड़ो यार लेडीज़ है इसलिए मैंने जाने देता हूँ, वरना इसका ऐसा सुअर बनाता ना ये लौंडा होता। तो देखो यहाँ से तो लड़का ही लग रहा था, बाकी वो भाई अभी टच हो जाती ना बना देता मैडम तेना चिंपैंजी फिर मैं। बाकी देख सकते हो रेंज रोड कितनी प्यारी लग रही है। बाकी अभी ऑफिस वगैरह की साइड जा रहे हैं रॉयल फैमिली की छोटे वारिस से मिलने के लिए, और वहाँ पे जाके देखते हैं क्या सीन है क्या सिस्टम थोड़ा पानी है, क्योंकि हमारा मेज़ बैंक वाला ऑफिस यहाँ से काफ़ी करीब है। देख सकते हो मेज़ बैंक यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, आगे से कट के हमें भाई सीधा चढ़ना है अपनी पुलिया पे, पुलिया के बाद आपसे लोग को दिखी जाएगा अपना जो ब्रिज सामने। देख सकते हो कितना तगड़ा लग रहा अपना ब्रिज, और ब्रिज से हम ऊपर की साइड चढ़ते हैं और सीधा ऑफिस की साइड हम पहुँचने वाले हैं। काफ़ी ज़बरदस्त सीन होने वाला है बिल्कुल, क्योंकि हमारे ऑफिस में भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस आज हमें डिस्कस करनी है गैंग वगैरह से हमें जो बैकअप वगैरह चाहिए उस चीज़ के बारे में, क्योंकि भाई साहब सिक्योरिटी वगैरह जब तक पहुंचती है काफ़ी खतरनाक सीन हो जाता है, और उधर की साइड भाई साहब गैंग वगैरह का भी दबदबा है, तो वो सारी चीज़ें देखनी हमें ही पड़ेगी बिल्कुल को। बाकी अपनी रेंज रोड ब्लैक कलर की कैसी लग रही है, और लाइटें जला दो तो कुछ ऐसा लुक है इसका, काफ़ी प्यारा लुक रहा है बिल्कुल को मेरे को तो। और थोड़े थोड़े देख सकते हो लीमो वाले जो ये ग्लासेस हमने लगवा रखे हैं भाई, थोड़े ब्लैक जेड आपको लिख रहे होंगे, कितनी प्यारी लग रही है रेंज रोड भाई मेरे को तो, एक नंबर भाई साहब। वेलार है, वेलार P380HSE वाला मॉडल है भाई, सबसे टॉप मॉडल वाली रेंज रोवर अपने पास है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, सामने एक साइड हमें लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी। बाकी मेरे पैर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है गाइस,
पर क्या ही कर सकते हैं भाई, आज तो काफ़ी खतरनाक सीन तुम्हारे भाई ने बिठा दिया था। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, इधर की साइड लिफ्ट वगैरह को बुलाते हैं और फिर ऊपर की साइड चलते हैं, क्योंकि लिफ्ट वगैरह के लिए हमें यहाँ पे बटन वगैरह दबाना पड़ेगा, तो हम लिफ्ट वगैरह का वेट करते हैं। जितने आप चैनल को और वीडियो को सब्सक्राइब करो, मतलब कि वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर आप सब लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। तो गाइस हम अपने फ्लोर पे पहुंच चुके हैं और अब बाहर निकलते हैं, क्योंकि लिफ्ट भी हमारी पहुंच चुकी है ऊपर की साइड। रॉयल फैमिली के छोटे वारिस इधर की साइड ही आए हुए हैं, तो उनसे मतलब पूरी बातचीत वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। और भाई यहाँ पे देखो ऑफिस वगैरह, आपको थोड़ा ऑफिशियल टूर दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो रॉयल फैमिली का लोगो वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी खतरनाक वाला सीन इधर है। ये बोतल वगैरह इधर रखी हुई है, पक्का भाई साहब कुछ तो सिस्टम चल रहा है इधर की साइड। बाकी केमिकल्स वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, जिससे यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह का हम टेस्टिंग वगैरह के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि एक बिजनेस वगैरह हम स्टार्ट करने वाले हैं उस बारे में ये सारी चीज़ें। और ये देखो भाई पूरे भरे हुए बॉक्सेस, जो काफ़ी खतरनाक वाला अपना पैसा इधर की साइड पूरा देख सकते हो बिखरा पड़ा है। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, इसके लिए हमें काफ़ी खतरनाक वाला सीक्रेट बंकर वगैरह लेने पड़ेंगे। बाकी इधर की साइड ये आपको चीज़ दिख रही होगी, ये है भाई साहब गोल्ड के ऊपर भाई कवरिंग वगैरह करने वाली मशीन्स वगैरह, तो वो भी इधर की साइड रखी हुई। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ से हम आगे चले तो भाई वेपन्स वगैरह भी रखे हुए हैं, देख सकते हो इधर की साइड क्या बात है, पैसा भाई पूरा पड़ा हुआ है। और सामने की साइड अपने रॉयल फैमिली के छोटे वारिस भी बैठे, तो इनसे बातचीत वगैरह कर लेते हैं। क्या हाल है रॉयल फैमिली के छोटे वारिस? बढ़िया बढ़िया। चलो तो अब मैं यूँ कहने वाला हूँ, आज का जो अपना मुद्दा है वो यूँ है, जैसे कि आपको पता है कि बालाज गैंग का काफ़ी ज़्यादा दबदबा बढ़ता जा रहा है शहर में, और हमारा शोरूम जो है वो GSF वाले एरिया में, और उधर की साइड GSF वगैरह वाले जो बंदे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमारी डीलिंग्स वगैरह में इंटरेस्टेड है। तो फिर हमने मतलब कि इतना पता करा कि वो हमारी डीलिंग्स वगैरह में इसलिए इंटरेस्टेड है बालाज गैंग, क्योंकि जो GSF वाले हैं वो भाई कम पैसों में मार रहे हैं, पर बालाज वालों के पास जो वेपन्स वगैरह जो चीज़ें वगैरह हैं उनसे हम डीलिंग वगैरह करेंगे तो एक काफ़ी ज़्यादा दबदबा बन जाएगा। और जो आसपास का एरिया अपने शोरूम का भी वो भी हम इजी तरीके से एक्वायर कर सकते हैं, क्योंकि आप सब लोग को पता ही है गाइस कि हमारा शोरूम है पूरा भाई साहब मेन लॉस सैंटोस के बीच में, जहाँ पे पूरी गैंग्स वगैरह रहती है जस्ट साइड में। जी जी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस, हाँ सब कर सकते हैं ऐसा सीन आप कह रहे हो ना कि बालाज वगैरह वाले बंदों से मैंने मीटिंग वगैरह के लिए आज बोला है मैं जाने वाला हूँ, पर वो कुछ काफ़ी ख़तरनाक सी डिमांड कर देंगे, तो उसके बारे में आपसे डिस्कस करने आया हूँ कि हमें क्या करना चाहिए वहाँ पे। मतलब देखो पैसों की डिमांड की मुझे कोई भी दिक्कत नहीं, बाकी और किसी चीज़ की उसने डिमांड वगैरह कर दी तो उसके लिए मैं आपसे मतलब कि कंफर्मेशन लेने आया हूँ। जैसे कि वो कह रहे थे कि हमें रिसोर्सेज तुम्हारे चाहिए होंगे, हम सिक्योरिटीज़ वगैरह देने के लिए तैयार है, और उधर की साइड तुम्हें कोई तंग भी नहीं करेगा। नहीं बात तो सही है, हम उनकी बैंड तो बजा सकते हैं पर हमारे रिसोर्सेज ख़राब होंगे, इसलिए मैं ये चाहता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे सीन वगैरह पहले बहुत चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता है डगन बोस के साथ सीन चल रहा है, रोलेक्स के साथ सीन चल रहा है, और एक और गैंग के साथ हम सीन नहीं चाहते, तो समझो थोड़ी बात। बाद में इनको डुच्ची मुच्ची गैंग को तो उड़ाना छोटी मोटी बात है, पर किसी एक गैंग को तो हमें साथी बनाना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम जो नया बिजनेस कोकीन वगैरह का रन करने वाले हैं उसको भी तो रन कर पाएंगे, ये समझो मेरी बात। सही बोला ना मैं बात में, वजन तो है सही बोल रहे हो, पर उसके लिए मैं आज बालाज वगैरह से मीटिंग वगैरह करने जाने वाला हूँ, तो उसके लिए मेरे को कुछ काफ़ी ख़तरनाक वाला एक VIP प्रोटोकॉल चाहिए। पर सिक्योरिटी नहीं 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 नहीं, सिक्योरिटी वगैरह लेके जाएंगे तो फिर वो वैसे कहेंगे कि तुम सिक्योरिटी के साथ आए हो। हाँ पर अपनी सेफ्टी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलो तो उसका तो कर लेते हैं इंतजाम, हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह तो पड़ी हुई है, बाकी VIP प्रोटोकॉल के साथ मैं वहाँ पे जाता हूँ और मीटिंग वगैरह करके आता हूँ, और फिर आपको अपडेट देता हूँ कि क्या अपडेट है उधर की साइड, ठीक है? चलो ठीक है ठीक है। तो गाइज यहाँ पे रॉयल फैमिली के छोटे वारिस पूरी बातों के लिए मान चुके हैं कि अगर वो रिसोर्सेज वगैरह की बात करें तो अभी हम उनको भाई काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड वगैरह कर सकते हैं, और हम एक नया बिजनेस वगैरह भी रन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी खतरनाक वाली न्यूज़ है वीडियो को। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से अभी नीचे उतरते हैं और भाई हमें मलिबो मेंशन की साइड जाना है। मलिबो मेंशन की साइड क्यों जाना है गाइज? क्योंकि हमें भाई साहब एक काफ़ी ख़तरनाक वाली चीज़ देखनी है, और चीज़ क्या देखनी है कि हमें भाई साहब पूरा सिस्टम सोदा पानी उधर के लिए देखना है, कि हमें प्रोटोकॉल कैसे लेके जाना है और गैंग वालों से डीलिंग वगैरह कहाँ पे करनी है। तो बस यहाँ से निकलते गाइस, नीचे की साइड चलते हैं, ओके, और फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम बाहर की साइड आ चुके हैं, जितना मैंने लिफ्ट में सोचा कि गाइस हमें काफ़ी अच्छे तरीके से डीलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त वाला काम उधर की साइड होने वाला है। और बाकी गाइस एक और चीज़ मुझे कन्फर्मेशन करनी है, जो भाई साहब डगन बोस को हम सरप्राइज़ वाली आज एक मीटिंग देने वाले हैं,
उसमें उसका क्या रिएक्शन रहता गाइस, वो चीज़ मेरे को देखनी है। और इस बारे में मैं भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, क्योंकि ये जो चीज़ करने वाला हूँ मैं अपने रिस्क पे करने वाला हूँ कि एकदम से वहाँ पे छापा मारना पड़ेगा मेरे को बिल्डों को, तभी कुछ बातें हमारे समझ में आएगी कि उधर की साइड डगर बॉस क्या प्लानिंग कर रहा है रोलेक्स के साथ। और रोलेक्स की अगर हमें छवि दिख गई फिर तो हम उसकी बैंड बजा ही देंगे, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं आई। अभी तो जा रहे हैं मलिबो मेंशन की साइड, मलिबो मेंशन से वीआईपी प्रोटोकॉल लेके हम निकलने वाले हैं बालाज गैंग की साइड। बालाज गैंग वहाँ पे मीटिंग वगैरह करने वाली है, उसके लिए हमने भाई साहब उनके हुड की साइड तो हमने बिल्कुल मना कर दिया, उनके हुड की साइड वो मीटिंग वगैरह करना चाहते थे। तो गाइस हमने कहा कि हम किसी के भी हुड में इधर की साइड नहीं घुसते। अब गाइस उसके पीछे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि एक मेरा मास्टरमाइंड क्या, क्योंकि हम उधर की साइड मीटिंग वगैरह करने जाएंगे फिर प्रोटोकॉल के साथ तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत क्या हो सकती है, जैसे कि आपको पता ही है उधर की साइड जाएंगे तो और गैंग्स को भी पता चलेगा कि माइकल डिसेंटा आया मीटिंग करने के लिए। गाइस मेरे को पूरा शहर जानता है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक टाइम पर बदमाश रह चुका हूँ, तो उस बदमाशी के लिए अब मैं फिर से बेशुमार होना तो चाहता हूँ, पर अभी वो सही वक्त नहीं है क्योंकि अभी देख सकते हो गाइस हमारी फैमिली को भी हमें वापस लाना है। और फिर भाई साहब डगन बॉस के साथ हमारा सीन चल रहा है, रोलेक्स के साथ सीन चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने अभी भी कुछ भी ऐसा वीआईपी प्रोटोकॉल के टाइप में कोई भी बाधा नहीं डालना चाहता। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए मैंने उधर की साइड से भाई साहब पूरी मीटिंग ही कैंसिल करके हमने रखी है सैंडी सोर्स की साइड एक काफ़ी ज़बरदस्त वाली मीटिंग, जो कि होगी जो हमारे भाई साहब टेक्नोमार भाई के मेंशन है उधर की साइड, मतलब जस्ट हम मेंशन के अंदर उनको नहीं बुलाने वाले क्योंकि वो किसी और का मेंशन है विहान भाई के, तो वहाँ पे हम मीटिंग वगैरह नहीं कर सकते, पर उधर की साइड जो जगह है वहाँ पे हम मीटिंग करने वाले काफ़ी ज़बरदस्त वाली खतरनाक वाली। बाकी कोई भी दिक्कत दिखाई उधर की साइड अभी तो निकल चुके हैं और सीधा पहुँचते हैं मलिबो मेंशन की साइड, और वहीं पर आप लोगों को मिलते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वीआईपी प्रोटोकॉल की हमें तैयारी करनी है, तो लेस्टर वगैरह से जाके बात करनी पड़ेगी, गाड़ियाँ मंगानी पड़ेगी और सिक्योरिटी के साथ पर हम निकलने वाले काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। लेट्स गो उधर की साइड ही चलते हैं और फिर आपसे लोगों को वहीं पे मिलते हैं। ओ ये सो गाइस हम मलिबो मेंशन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, सामने वाली रोड पे आ चुके हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, और इधर की साइड से हम जा रहे हैं भाई सीधा मलिबो मेंशन के अंदर जहाँ पे हमारी एसपीजी सिक्योरिटी खड़ी हुई है। और भाई थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, गाड़ियाँ वगैरह देखनी पड़ती है गाइज इधर की साइड ना, काफ़ी गंदा सीन है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइज, अपने एयर डिफेंस वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें इधर की साइड सेटलमेंट हो रही है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। देख सकते हो ऊपर की साइड भी, सामने की साइड गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई है, अपनी एस पी सिक्योरिटी देख सकते हो इधर की साइड आ चुके हैं। अरे मैं यूँ कोई दिक्कत नहीं है, इधर की साइड देख सकते हो जैसे शक्ल देखी तो वो मुड़ चुके हैं इधर की साइड। बाकी अपनी रेंज रोड देख सकते हो इधर की साइड आके लगा दी है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से। बाकी यार काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हैं आज इधर की साइड, क्या बात है गाइस। ये वाली रेंज रोड आप सब लोगों ने देखी होगी, ये पुराना मॉडल है गाइस, जो नए वाला मॉडल है बेलार ये वाला वो वाला, और ये वाला देखो पुराना मॉडल है जो कुछ ऐसा नज़र आता है देख सकते हो। क्या बात है भाई 0001 नंबर इस गाड़ी की भी, क्या बात है। बाकी इसका इंटीरियर भी काफ़ी मस्त है और इसको गाइस चलाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका, तो हम सोच रहे हैं आज लेके चलेंगे इसको। चलो देखते हैं बाकी इधर की साइड भी देख सकते हो, काफ़ी खतरनाक गाड़ी अपनी खड़ी हुई है, लेस्टर की गाड़ी देख सकते हो, क्या बात है भाई काफ़ी खतरनाक लग रही है। उसके बाद देखिए तो सामने की साइड फ्रैंकलिन की फॉर्च्यूनर, भाई साहब क्या बात है भाई एक नंबर लग रही है। फॉर्च्यूनर लेके चलते गाइस, काफ़ी टाइम हो गया फ्रैंकलिन की। ये फ्रैंकलिन के दोस्त ने एक लेजेंडर भी लिया गाइस, वो मंगवाए क्या, मैं तो कह रहा हूँ भाई फ्रैंकलिन के दोस्त ने। अरे यार यहाँ से निकालो कैसे गड्डी, यहाँ तो आगे की साइड ये वाली गाड़ी लगी हुई है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं इसका सोदा पानी बिठाते हैं, ये इधर की साइड ही मैं तो खड़ी कर रहा हूँ इसको। बाकी काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है, ये वाली लेजेंडर नहीं है फॉर्च्यूनर गाइस जैसा कि आपको पता है। बाकी जीप कंपास आप साइड में देखते हो कितनी ज़बरदस्त, उसके साइड में मर्सिडीज वगैरह। अरे ड्राइवर ससुरे यहाँ क्या कर रहा है तू, अच्छा गाड़ी लेने आया था लेस्टर से, अरे चल। और मेरे को एक बात बता, जो अपनी सीक्रेट बातें चल रही है डगन बॉस से रिलेटेड उसका क्या चल रहा है। अच्छा अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं है, ओके। बाकी मेरे को एक बात बता कि जैसा कि तेरे को मैंने एक काम दिया था रोलेक्स वाला, उसके बारे में कोई अपडेट। अच्छा कोई भी अपडेट नहीं अभी तक, नहीं दिखा उधर की साइड। चल कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तू गाड़ी ले जा, ये वाली लेके जा रहा तो ये वाली ले जा, बाकी ये रेंज रोड लेके आए ये ले जा, चल कोई दिक्कत नहीं है रेंज रोड ले जा तू, ठीक है। चल ठीक है गाइस, तो इधर की साइड ड्राइवर गाड़ी वगैरह लेने आया था लेस्टर से। बाकी इधर की साइड और कार्स दिखाऊं तो बाहर की साइड खड़ी है डिफेंडर वगैरह ले चलेंगे अगर रेंज रोवर ड्राइवर वगैरह लेके जा रहा तो। बाकी यहाँ पे एक्सन खड़ी है बीएमडब्ल्यू की जैसे कि आपको देख सकते हो, हमारी जो बाइक वगैरह भी खड़ी रहती इधर की साइड वो भी मैं आपसे लोगों को दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो ज़बरदस्त बाइक अपनी भाई साहब,
BMW की 1000 RR। भाई काफ़ी टाइम हो गया यार इसको भी चलाए हुए, गाइस एक गेड़ी मारने का मन हो रहा है मेरा इस बाइक पे। चलो भाई गेड़ी मार ही लेते हैं यार, इतने टाइम से हो गया। आप सब लोग की रिक्वेस्ट भी थी कि 1000 RR को चला के दिखाओ, 1000 RR को चला के दिखाओ। तो लो भाई साहब इसका आगे का जो, अगर आपको मैं वो दूँ एक स्पॉइलर भाई साहब स्पीड का, तो अभी देखो आप सब लोग देख सकते हो आगे साइड से इंटीरियर वगैरह कितना मस्त लग रहा है इसका। और भाई ये देख सकते हो भाई 1000 RR का जो CC का इंजन है ना, 1000 CC का, ये देखो दोस्तों तो यहीं पे बग गई, क्या बात है बिल्कुल। वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। ओ भाई 1000 RR से ड्रिफ्ट वगैरह, ओ क्या बात है क्या बात है। चक दे बटे नव दे के लिए सुबह जलंधर सामने दिल्ली होगी ये तो। चलो बढ़िया बढ़िया एक नंबर भाई, मस्त चीज़ है 1000 RR। यहाँ से निकाल लेते हैं, अभी देख सकते हो ये निकाली तुम्हारे भाई ने यहाँ से। और ये देखो स्टंट देखो तुम्हारे भाई के एक नंबर वाले। बाकी इधर की साइड बीच की साइड देख सकते हो भाई, फुहा रहा हूँ पानी के अंदर, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बन रही है, क्या बात है भाई साहब एक नंबर चीज़। और कितने जल्दी हम मेंशन की साइड पहुँच चुके देख सकते हो, क्या बात है बिल्कुल। वो मोच बांध दी भाई, एक नंबर सिस्टम हैंग कर दिया इसमें तो। और ये क्या बात है भाई, देख रहे हो स्टंट, देख रहे हो स्टंट ही कह दे, क्या बात है क्या बात है। SBS सिक्योरिटी भी यहाँ पे देखते हो, हमारे स्टंट वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त वाले हैं। चलो बढ़िया बढ़िया बिल्कुल, वो एक नंबर मजा आ गया, सिस्टम सेट है इधर की साइड। चलो हम ये वाली गाड़ी तो इधर की साइड खड़ी कर देते हैं। चलो भाई 1000 RR को भी इधर की साइड लगा दिया। ड्राइवर वगैरह कहाँ दिख नहीं रहा, शायद ऊपर की साइड तो नहीं गया। बाकी गाइस हमें लेस्ट वगैरह से भी बात करनी है, तो वो सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि मस्ती वगैरह बहुत हो चुकी है। और इधर की साइड सामने की साइड भी हमें भाई सारी चीज़ देखनी है, तो अभी तो चल रहे हैं लेस्टर के पास। लेस्टर से भाई कुछ प्रोटोकॉल्स वगैरह के लिए गाड़ियाँ वगैरह मंगा लेते हैं, और भाई सिक्योरिटी वगैरह को भी कॉल कर देगा। बाकी इधर की साइड भाई हंस वस रहे हैं, क्या भाई जो वो पूरी पार्टी चल रही है कती भाई साहब, ग्लास व्लास बना रखे हैं, एक ग्लास मेरा भी लगा दो इधर की साइड, तीनों ग्लास तीनों के बना रखे हैं। अच्छा भाई साहब फ्रैंकलिन तेरे को काम बोला था शोरूम के उधर की साइड, उसका क्या अपडेट है? अच्छा चल रहा काम, चल सही है बढ़िया। अपनी एनएसजी सिक्योरिटी उधर की साइड लगी हुई है गाइस, जैसे कि आपने देखा ही है। बाकी और बता यार लेस्टर क्या हाल है? हाँ पूरा पैक पी के भाई उछल रहा है। हाँ तो अब मैं यूँ ऐसे कह रहा हूँ कि मेरे को ना आज दो जगह जाना है, एक जाना मेरे को डगन बॉस से मीटिंग वगैरह करने के लिए, दूसरा जाना है मेरे को कहाँ पे बालास गैंग से मीटिंग करने के लिए। तो मेरे को ना कुछ VIP प्रोटोकॉल्स के लिए गाड़ियाँ वगैरह चाहिए, तो वो मंगा दो। सिक्योरिटी कोई सी भी चलेगी जो तुम्हें लगे बढ़िया सी, वो मंगा दो। चलो देखते हैं, वो तो अभी मैं बता दूंगा तुम्हें जो भी अपडेट होगी। बाकी यार कोट वगैरह भी गंदा हो गया मेरा। चलो तो तुम गाड़ियों का इंतजाम करो, सिक्योरिटी वगैरह को भी बुलाओ। सिक्योरिटी मैं कह रहा हूँ गॉस सिक्योरिटी को बुला लो आज, हाँ काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले हुए, तो गॉस सिक्योरिटी को बुला लो। और जितने गाड़ियाँ वगैरह का इंतजाम करो, जितने मैं थोड़ी देर में भी नहा धो के आ रहा हूँ, फिर मैं काफ़ी ज़बरदस्त वाली मीटिंग करने वाला हूँ, एक तो बालास गैंग से और डगन बॉस को सरप्राइज़ मीटिंग के बारे में अभी हम सोचते हैं कि क्या अपडेट्स वगैरह हैं। चलो ठीक है। चलो तो गाइज यहाँ पे हमारे डिस्कशन वगैरह हो चुका है इनसे, कि ये कह रहे हैं कि अभी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो सिक्योरिटी यहाँ से काफ़ी दूर, हम एक बंकर वगैरह में लगा रखा है जिसको हमने अन्ना में शुरू में पीटा था ना, वहाँ पे हमने गोस्ट सिक्योरिटी को लगा रखा। और बाकी हम बालास गैंग से मीटिंग वगैरह करने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाली, उस बारे में भी भाई काफ़ी अपडेट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। चलो देखते हैं हम जो भी है उनकी तरफ से क्या शर्त आती है, क्योंकि हमने भाई सैंडिंग साइड के लिए रखी है शर्त, तो कि भाई हम उधर की साइड मीटिंग नहीं कर सकते, इधर की साइड मीटिंग करेंगे। बाकी जो भी कोई भी अपडेट आता है वो देखते हैं, पर पहले गाइस हमें जो अपडेट वगैरह देना आप लोगों को वो देना है भाई बालास के उधर क्या चल रहा है भाई साहब, ये अपडेट भी हमें देखना पड़ेगा। और दूसरा अपडेट ये क्या है गाइस, कि हमें भाई साहब एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि डगन बोस को सरप्राइज़ मीटिंग देने के लिए अभी हम थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने सोचा कि डगन बोस से हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम बालास गैंग वगैरह को देखते हैं क्या सीन है क्या सिस्टम है। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी इधर की साइड से हम अंदर की साइड आ चुके हैं, नहा धो के अभी रेडी हो जाते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और फिर इधर की साइड से हम निकलने वाले, क्योंकि डॉक्टर ने भाई ये वाले कपड़े दिए थे, तो गाइस सिक्योरिटी वगैरह लेके आई थी उधर की साइड, जो पुराने कपड़े थे भाई वो खूनों में लथपथ हो चुके थे। बाकी हम नहा धो के रेडी हो जाते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह से अभी हम आए थोड़ी देर पहले, आप सब लोगों ने देखा, तो पूरा नहा धो के रेडी हो जाते हैं और फिर आप सब लोगों से मिलते हैं भाई साहब, क्योंकि बाहर आने वाली है काफ़ी ज़बरदस्त गाड़ियाँ, जिसको देख के आप भी कहोगे वाह माइकल डिसेंटा मोस्ट ऑफ कर दी, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आप सब लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने आ चुकी है गॉस सिक्योरिटी, और गॉस सिक्योरिटी के साथ गाइस पहले हम डगन बॉस से मीटिंग लेने का मैंने डिसीजन लिया है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त वाली गाड़ियाँ अभी भाई साहब हमने मंगाई है इधर की साइड से, देख सकते हो गाइस। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि ये गाड़ियाँ तो हमारे पास है ही नहीं, ये फॉर्च्यूनर्स लेजेंडर वाली हमने कभी मंगाई भी नहीं, तो गाइस ये
वाली जो सारी गाड़ियां हैं भाई साहब, हमने गॉस सिक्योरिटी के लिए स्पेशल एडिशन हम बनवा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हमने इंडियन से भाई ये इंपोर्ट अभी करवा रखी है इंडिया से, पर काफ़ी जल्दी इनकी काफ़ी खतरनाक वाली मॉडिफिकेशन वगैरह करवाएंगे। काफ़ी पहले भाई ये जो मैंने बोला था कि हमारी गाड़ियां वगैरह जो खड़ी हुई है वो ये वाली कार्स थी, और ये वाली कार्स देख सकते हो कितनी तगड़ी लग रही है भाई साहब, एक नंबर। बाकी हम काफ़ी जल्दी और भी कार्स वगैरह खरीद के लाने वाले हैं। और गाइस अभी अभी भाई एक काफ़ी ख़तरनाक न्यूज़ भी भाई अभी रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने बोली है कि भाई काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी को भी तुम्हें रिसीव वगैरह करने जाना है। तो गाइस क्या पता आज हम भाई बालास गैंग वगैरह से मीटिंग वगैरह ना कर पाए, क्योंकि काफ़ी एडवांस वाला एक और काम आ चुका है और उस बारे में भाई एकदम से इन्फॉर्मेशन वगैरह भी नहीं थी। तो भाई साहब कोई बीबी गेमिंग की कोई डेंजरस सिक्योरिटी आने वाली है, इतना मैं आपसे लोगों को बता दूं। और भाई बीबी गेमिंग से जैसे उन्होंने बात करी तो भाई साहब वो बोल रहे थे कि उन्होंने कोई नई सिक्योरिटी लॉन्च करी है, उससे रिलेटेड बातचीत वगैरह हुई। तो फिर भाई रॉयल फैमिली के छोटे वारिस ने सीधा बोल दिया कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें चाहिए ये वाली सिक्योरिटी इस टाइम पे, क्योंकि हमारी लड़ाई में भाई हमें काफ़ी ज़्यादा खतरनाक वाला सीन भी करना है और कायो पेरिको के ऊपर अटैक वगैरह भी करना है। तो सारी चीज़ देखते हुए भाई हमने गोस्ट सिक्योरिटी को बुलाया इधर की साइड, क्योंकि गोस्ट सिक्योरिटी अभी के टाइम पे फ्री है। तो भाई साहब ये वाली सिक्योरिटी लेके अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जितने भाई साहब यहाँ पे चेकअप वगैरह कर लो, क्योंकि कोई भी दिक्कत मेरे को चाहिए नहीं इधर की साइड, जैसा कि पता ही है। तो बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इधर की साइड आ चुकी अपनी पूरी सिक्योरिटी, और थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं डगन बॉस से काफ़ी ज़बरदस्त वाली एक मीटिंग वगैरह करने के लिए। तो बस थोड़ी देर में सारी सिक्योरिटी जैसे रेडी होते हैं फिर आप सब लोगों से मिलते हो, क्योंकि सिक्योरिटी वगैरह और भी आ रही है जो पीछे की साइड से भाई साहब अंदर की साइड बैठ के जाने वाली है, वो सिक्योरिटी को भी हमने बुला रखा है, और काफ़ी खतरनाक वाला सीन तो होने वाला है भीड़ लोगों इधर की साइड। हो ये तो गाइस यहाँ पे हमारी पूरी सिक्योरिटी निकल चुकी है डगन बॉस से मिलने के लिए। अंदर की साइड भी आप सब लोगों को दिखाऊं तो हमारी सिक्योरिटी वगैरह बैठी हुई इधर की साइड देख सकते हो, गोस्ट सिक्योरिटी पीछे पूरी गाड़ियाँ भी लोडेड हमने करवा दी है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह की गाड़ियाँ देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है। तो भाई ये वाली कार मेरे को काफ़ी ज़्यादा भाई, आज तो हमने ट्रायल टेस्ट वगैरह के लिए इधर की साइड मंगाई थी, पर भाई भीड़ों को बोला जाए तो भाई काफ़ी मस्त चीज़ है। और फॉर्च्यूनर की भाई पूरी गाड़ियाँ पीछे की साइड भी आप सब लोग देख सकते हो, भाई काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम भाई जा रहे हैं मीटिंग वगैरह करने के लिए। काफ़ी ख़तरनाक वाली मीटिंग वगैरह आज हम करने वाले हैं, पर उससे पहले ये नज़ारे देख लो जो भाई साहब बहुत ही रेयरली देखने को आपको मिलते होंगे। काफ़ी ज़बरदस्त प्रोटोकॉल के साथ हमारी गाड़ियाँ निकल रही है भीड़ों को इधर की साइड से, क्या बात है क्या बात है, काफ़ी खतरनाक सीन हो रखा है भीड़ों को इधर की साइड। पीछे की साइड यार सिक्योरिटी वाली गाड़ियाँ बहुत ही शानदार तरीके से हमें फॉलो करते हुए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हम तो इधर की साइड से निकल चुके हैं। अपनी पूरी गाड़ियाँ भाई पीछे की साइड से आ रही है, कोई भी दिक्कत अभी तक ऐसी हुई नहीं है भाई। पूरे खतरनाक तरीके से इधर की साइड से डगन बॉस से हम मीटिंग वगैरह करने जा रहे हैं, जो कि एक सरप्राइज़ वाली उसकी मीटिंग है, जो उसने इतनी सिक्योरिटी वगैरह खड़ी कर रखी है। अब उसे इस जो सवालों के जवाब देने पड़ेंगे वीडियो लोगों, क्योंकि उसने उधर की साइड जो सिक्योरिटी खड़ी कर रखी है वो है भाई साहब कहाँ की, आप सब लोगों को पता है कायो पेरिको की सिक्योरिटी है वो, और कायो पेरिको की सिक्योरिटी के वहाँ पे हम देखेंगे। उसको लग रहा है कि हम इधर की साइड क्या ही करने आएंगे, पर वीडियो लोगों हम एकदम से उसको सरप्राइज़ वगैरह देने के लिए पहुँचने वाले हैं उधर की साइड, जिसमें भाई साहब उसकी पूरी पोल खुल जाएगी कि उसने भाई साहब हमारे खिलाफ जो जंग लड़ने की वो सोच रहा है, उसके बारे में हम उससे बातचीत वगैरह करने वाले हैं। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर की साइड से आराम आराम से हमारी पूरी सिक्योरिटी निकल चुकी है काफ़ी खतरनाक तरीके से। बाकी फॉर्च्यूनर देख सकते हो कितनी तगड़ी लग रही है। बाकी इंटीरियर वगैरह दिखाऊँ को फॉर्च्यूनर का तो कुछ ऐसा दिखता है, और पीछे की साइड अपनी पूरी गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के साथ आती हुई एक के बाद एक गाड़ी इधर की साइड से निकल रही है डगन बॉस के घर पे, जहाँ पे उसने इतनी सारी सिक्योरिटी वगैरह जो लगा रखी है उसके बारे में उससे बात करेंगे। सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे कि भाई साहब वो चाहता क्या है, और एकदम से हमारी साइड है या फिर वो उधर की साइड तो है, ये तो हमें पता ही है। बाकी उससे भाई कुछ सवालों के जवाब भी मांगने, क्या पता उसका पूरा मतलब कि रोल हो हमारी भाई साहब जो अटैक वगैरह कराने में, जो कि आप सब लोगों ने देखा था हमारे शोरूम वगैरह पे जो अटैक हुआ था वहाँ पे आप सब लोगों ने देखा था काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें उधर की साइड हुई थी। तो वो सारी चीज़ देखते हुए हमने ये सारा सिस्टम सौदा पानी करा। बाकी एक के बाद एक लेजेंडर भाई साहब क्या ही लग रही है, पूरी लाइन में चल रही है, और हमारी सिक्योरिटी उधर की साइड के लिए निकल चुकी है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हमें ऊपर की साइड लेना है,
क्योंकि डगन बोस का घर आप सब लोग को पता ही है पहाड़ों के बीचों बीच पड़ता है, तो हम तो भाई इधर की साइड से पहुंच रहे हैं। तो गाइज अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें उधर की साइड जाने पर, उससे पहले ये नज़ारे देख लो भाई साहब। ये नज़ारे जो आप सब लोग को बहुत ही रेयरली देखने को मिलते होंगे, काफ़ी खतरनाक तरीके का VIP प्रोटोकॉल जाता हुआ हमारे साथ पहाड़ों के ऊपर। भाई इधर की साइड बारिश वगैरह हुई है तो देख सकते हो भाई पूरा गीला गीला हो रखा है इधर की साइड। चलो बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं। बाकी हम तो इधर की साइड पहुंच चुके हैं काफ़ी खतरनाक तरीके से। बाकी अपनी VIP प्रोटोकॉल के साथ पूरी फॉर्च्यूनर्स निकल रही है ब्लैक जेडसी से, ब्लैक जेड गाड़ी। क्या बात है, एक अलग ही फीलिंग आ रही है पूरी नेता वाली भाई साहब। देख सकते हो भाई पूरे पॉलिटिक्स वाले मोदी वाली फीलिंग आ गई मैं तो। ओ ये क्या बात है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं गाइस, अभी पहुंचते हैं सीधा डगन बोस की घर की साइड और वहीं पे आप सब लोगों को मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर अभी डगन बोस का घर, तो हमें थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है। तो लेट्स गो उधर की साइड जाके आप सब लोगों से मिलते हैं। ओ ये तो गाइस यहां पे देख सकते हो डगन बोस के घर के हम काफी ज्यादा करीब पहुंच गए हैं। डगन बोस का घर आपको ऊपर की साइड दिख गया होगा, तो वहाँ के लिए हमारा पूरे प्रोटोकॉल के साथ हम इधर की साइड पहुँच कर यहाँ पे हमें सामने की साइड काफ़ी ज़बरदस्त वाली पूरी सिक्योरिटी दिख चुकी है वीडियो को, जैसा कि आप सब लोगों को भी इधर की साइड नज़र आ ही रही होगी। काफ़ी ज़बरदस्त वाला सीन हो चुका है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सामने की साइड सिक्योरिटी ने बोल दिया कि यहाँ पे रुक जाओ प्लीज़। और भाई सामने की साइड ये मेरे से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ, तो इट्स अ माइकल डिसेंटा मेरे भाई, क्या बोलना चाहते हो? जी बिल्कुल हाँ, मुझे मिलना है मिस्टर डगन बोस से। गाड़ियाँ वगैरह बाहर लेके जाएं। पहली बात तो ये बेटा तू ना ये कायो पेरिको का जो तुम घमंड रखते हो ना अपना, अपने साथ ना यहीं पे गाड़ दूंगा तुझे, ठीक है? गाड़ी तो यहीं लगी रहेगी। और अभी देखो और भी गाड़ी आ रही है, वो भी तेरी छाती पे उतार दूंगा। जल्दी जाके बोल माइकल डिसेंटा मिलने आया है, कोई एरा गहरा आदमी नहीं हूँ। अच्छा सिक्योरिटी को भी यहाँ से प्रोटोकॉल से बाहर लेके जाएं। बेटे ये सिक्योरिटी पता तुझे, जितने तेरे बंदे खड़े ना ये टुच्चू मुच्चू जो तूने इधर उधर खड़े कर रखे हैं, सबको यहीं पे लेटा देगी, ठीक है? ओ भाई सब ये मेरे को अकड़ दिखा रहा है यहाँ पे, तू चाहता है यहाँ पे एक वॉर? 10 मिनट में ना तेरा ये पूरा मैंशन है ना, ये तेरा पूरा मैंशन खाली करवा सकता हूँ मैं तुझे, पता हो। जाके डगन बोस को जल्दी से बोल कि माइकल डिसेंट आया और मैं तेरे मुँह नहीं लगना चाहता, और तेरे से तो मैं मिलूंगा कायो पेरी को वेरी सून, तेरे को अभी बोल दूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, तो यहाँ पे हमारी भाई साहब बोल रहा है कि तुम्हें इधर आने की क्या जरूरत है, पूरी गाड़ियाँ बाहर लगाओ, ये करो वो लगो। बाकी इधर की साइड गाइस एक और इंटरेस्टेड चीज़ मेरे को देखने को मिल रही है, जो बीवी भाई साहब के ग्रीन कमांडोज है वो इन्होंने भी खरीद लिया। और अन्ना की सिक्योरिटी तो आप सब लोग को पता ही है इनके पास ऑलरेडी थी, तो गाइस ये ऑरेंज वाले जो आउटफिट्स में आप सब लोग को दिख रही होगी ये अन्ना की सिक्योरिटी, और कायो पेरिको की सिक्योरिटी आपको जो रेड कलर में दिख रहे होंगे आप पे बाउंसर्स वो वाली है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बाकी इधर की साइड कुछ ट्रेनिंग वगैरह चल रही है गाइस देखा जाए तो, जितना यहाँ पे माहौल वगैरह। बाकी वो बंदा अंदर की साइड गया है, डगन बोस की पूरी इन्फॉर्मेशन अभी हमें देगा कि कौन आया कौन नहीं आया। बाकी इधर की साइड देखा जाए तो भीड़ को पूरी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने भाई, काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी दे रखी है डगन बोस को। डगन बोस को तो अभी भाई साहब मज़ा चखाने वाला हूँ, क्योंकि उसको जब पता चलेगा कि माइकल डिसेंटा इन द हाउस ब्रो। बाकी मैंने ना इसकी इतनी रिस्पेक्ट करी थी कि मैंने एक गाड़ी अपने अंदर ली थी, बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को बोला था कि बाहर की साइड वेट करियो, पर जो मेरी गाड़ी में भी इतना जो ये ड्रामा दिखा रहा ना उसका तो मैं इसका सिस्टम सोदा पानी सेट करने वाला हूँ। पर उससे पहले आप लोग इधर की साइड देख सकते हो काफ़ी खतरनाक वाला सीन हो रखा है। गो सिक्योरिटी, पूरी सिक्योरिटी को बोल दो अंदर की साइड रेडी रहे, ठीक है? कभी भी हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो सकता है। तो एक बार गाइस पूरा सिस्टम सोदा पानी हम कर लेते हैं, एक बार तक की पूरी सिक्योरिटी देख लूँ भाई साहब, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से लगा रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इधर की साइड देखे तो एयर डिफेंस वगैरह भी है यहाँ पे, देख सकते हो। क्या बात है भाई, पूरे तरक्की पे डगन बोस, मतलब डगन बोस को यार हमारा भाई दोस्ती में धोखा मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। और इधर की साइड भी देखे तो भाई यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी, और थोड़ा सा अगर मेरे को इधर उधर अब थोड़ा घूमना है गाइस, वैसे बोल तो रहे हैं कि उधर जाना अलाउ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे हम वेट वगैरह करते हैं डगन बोस जैसे आता है, फिर मैं लेता हूँ डगन की जो काफ़ी ज़बरदस्त वाली क्लास भीड़ लोगों। तो लेट्स गो, जितने इस वीडियो पे हम एम लाइक रखते हैं 500 लाइक्स का, तो वो आप सब लोग कंप्लीट कराओ फटाफट। फिर आप सब लोगों से थोड़ी देर में हम मिलते हैं डगन बोस के साथ, यहीं पे करते हैं ज़बरदस्त वाली मीटिंग, लेट्स गो। डगन तेरे से आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं, अगर ये सारी चीज़ें सच है तो देख ना, तो तुझे मलिबो मेंशन हम खाली करने वाले, क्योंकि जैसा कि तेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ था कि हम मलिबो मेंशन जब देंगे जब पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कम से कम 3 साल का, तो उससे पहले तो हम खाली करने से रहे।
और बाकी बात रही जो तू इतनी सिक्योरिटी लेके उछल रहा है ना, अब मेरे पूरे बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि जैसे तेरे घबराए हुए चेहरे को मैं देख के समझ पा रहा हूँ कि तू जिस थाली में खाया उसी में छेद करने की सोच रहा। तेरी भैंस की आँख डगन। देख यहाँ तो मैं कुछ भी सीन नहीं करना चाहता। अगर तेरे को लड़ाई लड़नी है, मेरे को पता है जो ये तेरे पीछे सिक्योरिटी खड़ी है, ये वाली क्या सिक्योरिटी, मैं जानता नहीं कहाँ की सिक्योरिटी है और ये सारी सिक्योरिटी तेरे को कौन प्रोवाइड कर रहा है, मेरे को सारी चीज़ें पता है। बस एक चीज़ की जो देरी है, बस उसी चीज़ के लिए मैं रुका हुआ हूँ कि बस कुछ वक्त तू दे मेरे को। बाकी तू लड़ाई वगैरह करना चाहता है तो जैसा कि तूने अभी बोला है कि भाई गाइस ये कह रहा है कि हमें मलिबो मेंशन खाली कर देना चाहिए, इसलिए मैंने ये सिक्योरिटी सारी रोलेक्स से हाथ वगैरह मिलाया, तो देख ना तो अब तेरे को मलिबो मेंशन मिलने वाला है और ना ही कोई और चीज़। अच्छा भाई साहब, हमें धमकी देगा कि 24 घंटे में अगर तुमने खाली नहीं किया तो हम तेरे को भाई बता देंगे माइकल डिसेंटा, ऐसा कुछ बोला था तूने। चल अब मैं तेरे को 24 घंटे देता हूँ, अगर 24 घंटे में तूने ना मलिबो मेंशन के पेपर्स विद साइन नहीं भेजे तो फिर मैं बताऊंगा तेरे को लॉस सैंटोस में किसको कहते हैं राजा और किसको कहते हैं प्रजा, वो भी बताता हूँ मैं तेरे को। बिल्कुल बिल्कुल, तू दिक्कत मत ले। तू दिक्कत किस बात की ले रहा है, अभी तो देखता जा, तू देखता जा डगन बॉस। जो यहाँ पे ये पूरा पैसा मैं तेरे को देने आया था एज ए रेंट, ये तो तू ले ले, चल कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा रेंट तेरे को देते हैं। और बाकी जो गाड़ियों में रखा हुआ पैसा वो तो मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि गाइस अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मूवमेंट हो चुका है इस डगन बोस के साथ। डगन बोस चाहता है कि हम मलिबो मेंशन को खाली कर दे, जो कि हमारे एज ए कॉन्ट्रैक्ट की साइड में हुआ था। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, चलो सिक्योरिटी यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा, क्योंकि ये तो भाई समझ नहीं से रहा। अच्छा अच्छा बैठ के क्या बात करनी है डगन, जब तेरे को पता तूने हाथ मिला ही लिया है रोलेक्स से तो अब कोई बातचीत करने लायक रह नहीं गया। और जो तेरी सिक्योरिटी है ना, छोड़ अभी तो तू क्या ही समझेगा, तुझे कुछ दिन में मैं समझा ही दूंगा, 24 घंटे की तुझे मोहलत वगैरह दे रहे हैं, अगर तू समझ सकता है तो डगन समझ जा। बाकी गाइस जिसके घर की साइड इधर की साइड देख दो, काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी है, काफ़ी खतरनाक वाली गाड़ियाँ वगैरह भी इसके पास भी है। हाँ देख रहा हूँ तेरे महल को ही देख रहा हूँ, जो तूने ये फुद्दू सी सिक्योरिटी ले रखी है, इसको ये इतने जवान देख रहे हैं तेरे को, बहुत सिक्योरिटी ये लिटाने के लिए रेडी है। अच्छा अच्छा, और कायो पेरिको की सिक्योरिटी को तो बोल दो थोड़ी छुपके रहे, क्योंकि हमारे देश में हमारे लॉस सैंटोस में अलाव नहीं है ये सिक्योरिटी डगन, जैसा कि तेरे को पता है एज ए रूल्स और टर्म्स के हिसाब से। अच्छा भाई साहब तू इतना बड़ा हो गया, गाइस डगन कह रहा है मेरी मर्जी, मेरा घर जो करना होगा मैं करूँगा। ऐस क्या तेरे को तो मैं बताता हूँ डगन, यहाँ पे ना भी मैं कुछ ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि गाइस इसके पास पूरी सिक्योरिटीज की रेडी है, अंदर भी बंदे वगैरह बैठे हैं, एयर डिफेंस वगैरह की साइड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम नहीं करना चाहते। बाकी रोलेक्स गाइस कभी मतलब इधर की साइड नहीं दिखा, मतलब लॉस सैंटोस में रोलेक्स नहीं है, एक बात तो कन्फर्म हो चुकी है। बाकी डगन चल ठीक है, 24 घंटे का तेरे पास वक्त है, सोच ले तुझे मेरा साथ देना है, रोलेक्स का साथ देना है, एल रूबियो का साथ देना है, जिसका साथ तुझे देना है सोच ले, और अगर तूने उसका साथ दिया तो अपना मलिबो मेंशन तो भूल ही जाइयो। अच्छा भाई साहब अपने मेंशन पे तू अटैक करेगा हमें निकालने के लिए, गाइस ये बोल रहा है कि अगर 24 घंटे में तूने मेरा मेंशन नहीं खाली किया तो मैं मलिबो मेंशन के ऊपर अटैक कर दूंगा। अच्छा भाई साहब चल डगन, मैं तेरे को यहाँ पे ओपन चैलेंज देता हूँ, तेरे से जो होता हो ना वो कर लियो, क्योंकि गाइस हमें डगन का पता है ये बहुत ही फट्टू इंसान है, तो इसको चल ठीक है तेरे से जो होता हो वो कर लियो और हमसे जो होगा वो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा भाई साहब ये सारी चीज़ें चालू हुई है मयंक भाई की वजह से, तो देख मयंक का और तेरा स्पेशल मैटर है, उसके बीच में मैं नहीं आया, क्योंकि मैं तो साथ दूंगा ही, उससे मैं डीलिंग्स वगैरह करूँ, कुछ भी करूँ, मैं पैसा लूँ उससे, गोल्ड लूँ उससे, सिक्योरिटी लूँ उससे, वेपन्स लूँ, तुझे उससे क्या मतलब है। अच्छा भाई साहब तो यही चीज़ गाइस ये कह रहा है कि तेरे पे भी अप्लाई होती है, मैं रोलेक्स से कुछ भी करूँ, डीलिंग करूँ, मीटिंग करूँ, सिक्योरिटी लूँ, ऐसे बात तो तेरी थोड़ी बहुत ठीक है, पर ये चीज़ें यार डगन देख, दोस्ती में तेरे को मैंने भाई अपना भाई माना था, पर तूने भाई साहब धोखा दे दिया इतना तगड़ा, वो भी तो मैं तेरे को अब तो भाई सबक सिखाने वाला हूँ। तेरे पास 24 घंटे वक्त है, या तो तू सीधा पेपर्स भेज दियो मलिबो मेंशन के, या फिर मैं छीन के तो तेरे से ले ही जाऊँगा।
अच्छा भाई साहब, ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, सोच ले 24 घंटे तेरे पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है, कौन जीतेगा कौन हारेगा सारी चीज़ें सामने आई जाएगी डगन बॉस। चलो ठीक है, तो गाइज यहाँ से अब निकलने का ही फायदा है क्योंकि यहाँ पे डगन से भाई काफ़ी गहरी बहस हो चुकी है मेरी, तो काफ़ी जबरदस्त वाली। चलो सिक्योरिटी जल्दी से गाड़ियाँ वगैरह निकालो इधर की साइड से, तो गाइज गाड़ियाँ वगैरह निकालते हैं। और गाइज हमें भाई साहब सिक्योरिटी वगैरह भी लेने जानी है, तो भाई साहब आज बीबी गेमिंग की तरफ से काफ़ी खतरनाक वाली सिक्योरिटी आने वाली है, उसके भी रिलेटेड भाई सारी चीज़ें हो रही है। और पैसे वगैरह भाई अभी गाड़ियाँ वगैरह में रखेंगे जो हमने बाहर निकाला था, इसको रेंट वगैरह हम देने आए थे, पर अब इसको कुछ भी हम नहीं देने वाले क्योंकि इधर की साइड देखो भाई ट्रेनिंग वगैरह करा रहे सिक्योरिटी की, इधर की साइड देख सकते हो काफ़ी ज़बरदस्त वाली। और कायो पेरिको की सिक्योरिटी को तो मैंने बोल दिया है भाई तुम तो बेटे बच के रहना क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे आना भी अलाउ नहीं है। और बाकी इधर की साइड देख सकते हो भाई इसके पास भी टैंक वगैरह देखे भाई, ये वाला टैंक तो हमारे पास भी नहीं है भाई, ये कायो पेरिको वाले टैंक्स वगैरह भी इधर की साइड आ रखे हैं। ये देखो कितने जबरदस्त टैंक्स वगैरह इधर की साइड, ये वाली जो गाड़ियाँ देख सकते हो, ये वाली चीज़ तो हम भी मियान भाई से लेके आए थे जैसे कि आपको बताइए है। बाकी एयर डिफेंस वगैरह भी गाइज इनके थोड़े तो डिफरेंट से तो लग रहे हैं, पर ठीक ठाक है गाइज, कुछ भी मतलब जो भी होगा सिस्टम सोदा पानी हम कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर में इधर की साइड से निकलते अपनी गाड़ियाँ वगैरह लेके, और भाई फिर सिक्योरिटी को लेने भी जाना, तो वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ेगी। तो लेट्स गो, थोड़ी देर में आपसे लोगों से मिलते हैं। बाकी डगन बॉस की सिक्योरिटी का हमें क्या करना चाहिए उसका तो भी देखना पड़ेगा फिर दोगो, क्योंकि काफ़ी खतरनाक वाली सिक्योरिटी इसके पास भी होगी। थ्री टाइप की सिक्योरिटी देख सकते हो, तो एक रेड वाली कायो पेरिको वाली अन्ना की सिक्योरिटी इसके पास है, और ग्रीन वाली सिक्योरिटी जो कमांडोज है वो भी इसी के पास है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं भाई सिस्टम सोदा पानी बिठाते हैं एक बार, अपनी गाड़ियों में पूरा पैसा रखते हैं जो उसके लिए हम लेके आए थे, फिर आप सब लोगों से मिलते हैं। लेट्स गो, जितने 500 लाइक्स का एम है वो आप सब लोग कंप्लीट करा दें। गाइस यहाँ से देख सकते हो हम तो निकल चुके हैं डगन बॉस से काफ़ी खतरनाक वाली बहस करके, बाकी गाइस हमारी सिक्योरिटी वगैरह थोड़ी देर में पहुँच जाएगी जिसको मैंने डायरेक्टली भेज दिया कहाँ पे, जहाँ पे हमारी पूरी सिक्योरिटी आ जाने वाले बीबी गेमिंग की साइड से काफ़ी खतरनाक वाले कमांडोज आने वाले हैं। और गाइस वो वाले कमांडोज हमने क्यों मंगाए अब वो भाई मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ही है हम एक नया बिजनेस वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला, जो आप से लोगों को काफ़ी जल्दी देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड वगैरह हमने भाई बातचीत वगैरह जो करनी थी वो आज रॉयल फैमिली की छोटे वाले साथ डीलिंग वगैरह में करने गए। बाकी अगर वो वाली डील अगर वगैरह डन हो गई तो भाई साहब फिर तो भैंस की आंख हो जाएगी क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा पैसा छापेंगे। जैसे कि आपको पता है अभी हमारी रिसोर्सेज वगैरह सारी चीज़ें एक चीज़ के ऊपर भाई पूरी निर्भर है, वो क्या है जो हमारी भाई साहब शोरूम वगैरह है उनके ऊपर। तो गाइज हमने सोचा कि क्योंकि नया बिजनेस वगैरह हम रन करने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त वाला, तो वो सारी चीज़ देखते हैं। बाकी इधर की साइड से निकलते हैं सीधा अपनी सिक्योरिटी वगैरह लेने के लिए। इधर की साइड रेडियो वगैरह चालू हो गया था गाइज, तो इधर की साइड मैंने बंद वगैरह कर दिया है रेडियो वगैरह। और बाकी भाई इधर की साइड से निकल रहे तो काफ़ी खतरनाक वाला बिजनेस वगैरह अब माइकल डी सेंटर रन करने वाला है। और गाइज उस चीज़ में हमारे पार्टनर वगैरह रहेंगे टेक्नो विहान भाई के साथ, वो वाला हम भाई पूरा बिजनेस वगैरह रन करने वाले हैं। और उसके लिए गाइज हमें काफ़ी ज़बरदस्त वाली सिक्योरिटी चाहिए थी, तो उसके भाई बिजनेस के वहाँ पे रखने के लिए तो वाली सिक्योरिटी हमने मंगा ली। और बाकी हम सीधा पहुँचते हैं एयरपोर्ट की साइड जहाँ पे भाई हमारी काफ़ी खतरनाक वाली बीबी गेमिंग की सिक्योरिटी वगैरह आने वाली है, तो सीधा उधर की साइड ही आप सब लोग को जाके मिलते हैं। लेट्स गो। गाइज एक काफ़ी खतरनाक गाड़ी आपको हमारे पीछे दिख रही होगी क्योंकि हमने मंगवा ली है बीबी गेमिंग भाई साहब के न्यू वाले कमांडोज जो अभी अभी प्लेन के अंदर से उतरे, और हमारी गॉड सिक्योरिटी भाई साहब उनका वेलकम करने के लिए इधर की साइड पहुंच चुके हैं। बाकी गाइस बीबी गेमिंग भाई के जो न्यू वाले कमांडोज है कितने तगड़े लग रहे हैं भाई, ऑरेंज कलर की वेस्ट वगैरह इनके ऊपर का ये भी ऐसा है, चलो बढ़िया नॉर्मल वेपन्स वगैरह के साथ आए हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है भाई मेरे को तो सिक्योरिटी वगैरह। पर उससे भी खतरनाक चीज़ जो ये गाड़ियाँ लेके आए हैं अपने साथ ये वाली भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है। पर उससे पहले हम सिक्योरिटी वगैरह का पूरा आउटफिट वगैरह दिखाएंगे आप सब लोगों को, तो काफ़ी ज़बरदस्त वाला आउटफिट है, वेस्ट वगैरह भी काफ़ी तगड़ी है, पीछे की साइड से देख सकते हो पैंट वगैरह भाई पूरी मैचिंग की है ऑरेंजिस टाइप थोड़ी वुडन कलर की, और शूज़ भी कितने मैचिंग के हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रही भीड़ लोगों। और भाई पीछे की साइड आप सब लोगों को दिखाऊं तो इधर की साइड भी आप सब लोग देख सकते हो पूरी सिक्योरिटी भाई अंदर से अभी उतरी नहीं है, आधी चीज़ें अभी उतारनी बाकी है। और जो सिक्योरिटी वगैरह आई है तो गाइज इन वाले प्लेन्स वगैरह में आई है, तो मैं प्लेन्स वगैरह आप सब लोग को दिखा देता हूँ। तो ये वाले प्लेन्स वगैरह में अपनी पूरी सिक्योरिटी आई है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, और एक दूसरा प्लेन इधर की साइड खड़ा है काफ़ी खतरनाक वाले प्लेन्स वगैरह है, इनको भी गाइज हम कभी चला के देखेंगे काफ़ी ज़बरदस्त। तो ऊपर की साइड देख रहे हो कैसे पंख वगैरह भाई काफ़ी मस्त है, पर उससे पहले आप सब लोग को सामने की साइड में दिखाऊँ तो अपनी चमचमाती बीबी गेमिंग की नई वाली भाई साहब यहाँ देख सकते हो मर्सिडीज
क्या बात है भाई साहब, एक नंबर लगती गाड़ी। और आगे की साइड देखिए तो रस्सा भाई साहब मोटा सा है। और गाइज ये सिक्योरिटी ये वाली गाड़ी अपने साथ लेके आई है, मतलब अपने व्हीकल्स अपने साथ रखती है, काफ़ी ज़बरदस्त लगती है सिक्योरिटी। और इधर की साइड फोटो शूट वगैरह कराएंगे तो उसके लिए थोड़े पैसे वगैरह भी गिरा दिए। बाकी गॉस सिक्योरिटी भी देख दो कितनी खतरनाक लग रही है सिक्योरिटी के सामने भाई, ज़बरदस्त सिक्योरिटी हम लेके आ चुके हैं बीबी गेमिंग भाई साहब की न्यू वाली सिक्योरिटी। और गाइज ये वाली जो सिक्योरिटी है इसका हम काम यूज़ लेने वाले हैं भाई, बिजनेस वगैरह की साइड पूरी सिक्योरिटी को हम रखने वाले हैं, जो कि हमारा बिजनेस वगैरह हम कल की साइड भाई साहब जैसे हमारी बालाज गैंग वगैरह से डील होगी तो फिर हम कर देंगे रन। गाइज वैसे आज हमारी डीलिंग्स वगैरह होने वाली थी पर उन्होंने मना कर दिया, वो बोलने लग गए कि भाई साहब हम डील करेंगे तो सीधा भाई साहब जो ग्रूव स्ट्रीट है वहीं पर करेंगे, वरना हम डीलिंग्स वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि हम पूरे ओपन रिलेशंस वगैरह में बालाज गैंग वगैरह से डीलिंग वगैरह करने जाने वाले। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए हमने फिर अप्रूवल कह दिया कि भाई अब हमें एक ही गैंग का सपोर्ट चाहिए, तो गाइज हम एक ही गैंग से डील करेंगे और सबके सामने जाएंगे, GSF वगैरह, वागोस वगैरह सब गैंग के सामने हम डीलिंग वगैरह करना चाहते हैं। और भाई बालाज वाला भी अपने आप का भाई प्रॉफिट वगैरह देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई साहब अगर हमारी इनके साथ डीलिंग हो गई तो हम शहर में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तो वो चीज़ वो भी देख रहे हैं। पर गाइज हमारे शोरूम के लिए ये वाली चीज़ तो करनी पड़ेगी, पर उससे पहले गाइज एक और चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, जो ये वाली गाड़ी वगैरह खड़ी है, पहले तो सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी का आउटफिट देखो कितना तगड़ा लग रहा है। बीबी गेमिंग से हमने ये वाली सिक्योरिटी मंगाई है, अपने बिजनेस वगैरह की जगह पे हम रखने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त वाली। बाकी गाड़ी वगैरह अब चलाने का वक्त आ चुका, तो भाई बीबी गेमिंग की जो नई वाली गड्डी आई है ये चला के हम देखने वाले हैं, काफ़ी ज़बरदस्त। और गाइज हमारी जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी है वो भी इनको लेने के लिए आई हुई है इधर की साइड, क्या बात है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है। ओ भाई पिकअप तो ऐसा ना शानदार जानदार। बाकी अंदर की साइड से आपको इंटीरियर वगैरह दिखाऊं तो देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है गाइस। आप तो लोग काफ़ी टाइम से इस गाड़ी की डिमांड वगैरह करते कि बीबी गेमिंग की ये वाली गाड़ी लो, तो भाई हमने ले ली। और भाई इसकी देखो थोड़ी आवाज़ वगैरह देख रहे हो कैसे है, मतलब थोड़ी ज़बरदस्त वाली बिड़ दो। और ये देखो, ओ ये क्या बात है भाई, काफ़ी खतरनाक रस्सा सा भी बंधा हुआ आगे की साइड और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है बिड़ दो। मेरे हिसाब से तो भाई वन ऑफ द बेस्ट कार। और भाई इसके अगर इंडिकेटर वगैरह जलाएं तो पीछे के इंडिकेटर भी कितने यूनिक से मैग्नेट टाइप शेप में देख सकते हो, क्या बात है बिड़ दो, एक नंबर सिस्टम सेट कर दिया है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है बीबी गेमिंग की नई वाली कार्स वगैरह भी। और नई वाली सिक्योरिटी तो आप सब लोग देख ही सकते हो, वो तो है ही खतरनाक, क्या बात है बिड़ दो, मौज बांधी पूरी इधर की साइड देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारी सिक्योरिटी के बीचों बीच हम ये वाली गाड़ी घुमा रहे हैं। बाकी गाइज अगर इसका हम स्ट्रेट चैलेंज देखे, जैसे कि आपको पता है कि ये वाली गाड़ी काफ़ी मस्त है, तो इसका एक स्ट्रेट रैंप चैलेंज देखे तो कितना तगड़ा, देखो 1 to 100 कितने जल्दी पकड़ ले रही है भाई। और भाई ड्रिफ्टिंग वगैरह में भी देख सकते हो काफ़ी शानदार है। और भाई बॉडी रोल बिल्कुल नहीं है गाड़ी में भाई, माननी पड़ेगी बीबी गेमिंग भाई साहब की ये वाली जो मर्सिडीज़ है भाई साहब, भाई क्या बात है भाई साहब, एक नंबर जबरदस्त सीन है देख सकते हो भैंस की आंख। और भाई रोटेट वगैरह ऑफ रोडिंग वगैरह करे तो ऑफ रोडिंग वगैरह में देख सकते हो कितने जबरदस्त तरीके से गाड़ी भग रही है भाई, मजा आ गया भाई, एक नंबर सीन हो चुका है बिड़ दो को। इधर की साइड देखा जाए तो काफ़ी मस्त है, काफ़ी ज़बरदस्त है, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर। और गाइज अब हम खड़ी कर देते वाली गाड़ी वगैरह, क्योंकि सिक्योरिटीज़ वगैरह को भी हमें इधर की साइड से लेके जाना है। पर उससे पहले आप सब लोग देख सकते हो कितने मस्त कार हमारे पास आ चुके, क्या बात है क्या बात है। और ये वाली गाड़ी अब इधर की साइड खड़ी कर देते हैं, क्योंकि भाई साहब आप देख सकते हो सिक्योरिटी वगैरह को हम लेके जाने वाले, तो उनके लिए हमने मंगा लिया भाई, जो हमारी फॉर्चुनर्स वगैरह गो सिक्योरिटी के साथ हमने दिलवा रखी है, वो वाली कार्स भी इधर की साइड आ चुकी है। और गाइस काफ़ी ज़बरदस्त वाला हम कल की साइम बिजनेस वगैरह रन के लिए भाई एक डीलिंग वगैरह करने वाले हैं, जिसके बाद काफ़ी खतरनाक वाली चीज़ें हो जाएगी। पर उससे पहले भाई हमारी भाई न्यू वाली सिक्योरिटी देख सकते हो गाइस, कितनी ज़बरदस्त लग रही है बीबी गेमिंग की, क्या बात है भाई, मेरे को तो एकदम से दिल आ गया सिक्योरिटी में, कितना ज़बरदस्त आउटफिट है। और ऑरेंज कलर का देखो मास्क के साथ इनकी वेस्ट वगैरह, ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह सब कुछ मैच कर रहा है, मतलब A1 चीज़ें बिड़ दो को बोले तो भाई काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें, रापचिक चीज़ें, देख के मज़ा आ गया बिड़ दो को, क्या बात है क्या बात है, काफ़ी खतरनाक चीज़ें। बाकी देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हमारा वेलकम कर दिया है। और इनके साथ जो गाड़ियां वगैरह लेके आई हैं वो तो कितनी ज़बरदस्त, देख सकते हो कि भाई ये वाली चीज़ देख रहे हो, अलॉयज वगैरह पहली बार देखे मैंने ऐसे वाले। और आगे की साइड देख सकते हो रस्सा वगैरह भी बंधा हुआ कितने तगड़े तरीके से भाई साहब, काफ़ी खतरनाक वाली मॉडिफाइड होके आई है गाड़ी वगैरह। ऊपर की साइड देखे तो एंटीना टाइप देख सकते हो ये कुछ भाई सिग्नल्स वगैरह के लिए, और काफ़ी ज़बरदस्त है। और इंटीरियर तो मैंने आप सब लोगों को दिखाई दिया, बाकी इधर की साइड से भी आपको इंटीरियर दिखाऊं तो काफ़ी मस्त दिख रहा है देख सकते हो इधर की साइड। और पीछे दिख रही है गन्स वगैरह दिख गई होगी आप सब लोगों को, काफ़ी खतरनाक वाली गन्स वगैरह भी रखी है, जो कि भाई साहब इस सिक्योरिटी के लिए स्पेशल गन्स है, जो कि हम आप सब लोगों को काफ़ी जल्दी दिखाने वाले हैं, क्योंकि अभी तो गाइस आप सब लोगों को इधर की साइड दिख रही होगी, पूरे वेपन्स वगैरह अपने साथ लेके चलती है वाली सिक्योरिटी,
काफी जबरदस्त वाला सीन हो चुका है। बाकी देख सकते हो गाइस इधर की साइड दोनों सिक्योरिटी काफी खतरनाक लग रही है। बाकी भाई आपसे लोगों को कमेंट वगैरह करके तो बताना पड़ेगा कैसी लग रही हमारी नई वाली सिक्योरिटी बीबी गेमिंग की। मेरे को तो काफी ज्यादा डेंजरस लग रही वीडियो को। बाकी आपसे लोग कमेंट वगैरह करके बता दोगे। बाकी ठीक है, इस फिर आज की वीडियो में इतने रखते हैं। तो आज की वीडियो का एम लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। बाकी आपसे लोग कमेंट वगैरह करके बताओ कैसी लग रही है आज की सिक्योरिटी। और गाइस स्पैम वगैरह मत करो कमेंट में, सबके कमेंट आने का भाई मतलब कि मौका दो सबको भाई, सबके हम प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ सके। क्योंकि एक ही बंदा 50 कमेंट कर देगा तो कोई सेंस नहीं है। तो ए भाई कम से कम दो दो कमेंट कर दिया करो सारे भाई, तो कोई भी दिक्कत नहीं। दो कमेंट रिप्लाई देने में, पर ज्यादा भाई कमेंट्स कर देते तो भाई वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। एक ही बंदा ज्यादा कमेंट मत करो, अलग अलग बंदे अलग अलग क्वेश्चन पूछो। चलो ठीक है, इस फिर आज की वीडियो इतनी रखते हैं। होप करते हैं आपको मजा आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना बीबी गेमिंग की नई वाली सिक्योरिटी आपसे लोगों को कैसी लग रही है, जो कि हम बिजनेस वगैरह के उधर की साइड रखने वाले, जिसमें आपसे लोगों को आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बाकी आज की वीडियो का एम टारगेट है जैसे कि आपको 500 लाइक्स का और कमेंट का टारगेट रखते हैं 100 कमेंट्स का। तो आपसे लोग जल्दी से कंप्लीट करवा दो और थोड़ी देर में आपसे लोगों को प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह हम पढ़ने वाले। पर उससे पहले सिक्योरिटी देख लेते हो। और भाई गाड़ी वगैरह की जो भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे सारे भाई, तो ये वाली गाड़ी में हम लेके आ चुके हैं। चंगा फिर अगले गाड़ी चलते हैं, आपसे लोग के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते हैं। तो लेट्स गो गाइज, हमारे प्यारे कमेंट सेक्शन में आप सब लोगों का स्वागत है। तो #50 के हम कमेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो भाई बंकर बाय करो, बंकर वैसे हमारे पास है बीबी गेमिंग का, पर आप सब लोग कह रहे तो और बंकर हम ट्राई करेंगे काफ़ी जल्दी। आपको एक अपना जहाँ पे हम बिजनेस वगैरह करने वाले, एक बंकर की साइड करने वाले। तो इतना तो स्पॉइलर मैंने आपको दे दिया भाई। मोहित भाई के शोरूम वसीम भाई चिड़ाए भाई, मंगा दो वसीम भाई से मोहित को अपना शोरूम। भाई मतलब वसीम भाई ने मोहित भाई के शोरूम पे अटैक अटूक कर दिया या कुछ छीन वीन लिया। मोहित गेमिंग के साथ वीडियो बनाओ। ओके ब्रो, वेरी सून मेरे भाई, काफ़ी जल्दी बनाएंगे मोहित भाई के भी साथ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। ओके गन मतलब गन समझ में नहीं आया। MT-15 लेकर आओ ब्रो, वेरी सून मेरे भाई, काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलेगी MT-15 भी, कोई दिक्कत नहीं है। आर जी बी भाई आप की कोट की डेट है? हाँ भाई मेरी कोट की भी डेट है। हाँ भाई मेरी कोर्ट की भी डेट है ना, बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट भी जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई तुम वीडियो में घर से बाहर निकलते खाता करते, भाई क्या लिख रहे हो, कौन सी लैंग्वेज में कमेंट्स किए आज ये? एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खरीद लो, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खरीद लो तुम। ओके ब्रो राजपूत गेमर भाई, बिल्कुल खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो दिलो को BHK एक रेस्टोरेंट खोला। अच्छा रेस्टोरेंट के बारे में तो यार, फेस रिवील डेट वेरी सून मेरे भाई, काफ़ी जल्दी करेंगे फेस कैम भी। चलो भाई काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है फेस कैम की, तो कर देते कोई दिक्कत नहीं है भाई। यहाँ पे मोहम्मद भाई ने दिल दिया है भाई, इसराइल सिक्योरिटी के लिए जी वैगन आर खरीद लें। ओके ब्रो जी वैगन खरीदने हैं, वैगनार खरीदने पहले ये बता दो भाई, दोनों की स्पेलिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तुम्हारी कमेंट में। भाई एयरक्राफ्ट और जेट और समरीन लो, बिल्कुल भाई वेरी सून हम काफ़ी एक ज़बरदस्त वाली रशियन माफिया के साथ डीलिंग वगैरह करने वाले हैं, जिसमें हम ये सारी चीज़ लेने वाले हैं। ब्रो जो आपका पहले का 3 मिनट है, माइकल की लैंग्वेज कैसे डब करते हो? सॉफ्टवेयर से करते मेरे भाई। बिग फैन जशन सिंधु, जशन सिद्धू फ्रॉम पंजाब, क्या बात है। न्यू कमांडो बीबी गेमिंग, बिल्कुल आ गए भाई, कल आ रहे हैं। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये आ चुके होंगे वीडियो को। टेक्नोवैन भाई के मेंशन पे टेक्नोवैन भाई की डेंजरस सिक्योरिटी बना दीजिए, खुद बना दीजिए। ओके ब्रो जो नई वाली है हमने सिक्योरिटी खरीदी है वो वाली लगाएंगे यहाँ पे, फुल टेक्नोवैन कॉपी, बिल्कुल भाई बिल्कुल। और कुछ भाई अदनान गेमिंग के मॉन्स्टर सिक्योरिटी ले लो। ओके ब्रो भाई बिल्कुल ले लेंगे, आप सब लोग कह रहे तो लेनी तो पड़ेगी मेरे भाई। बाइंग शेडो गेमर्स सिक्योरिटी, शेडो गेमर्स की कौन सी सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए वो बता दो। ब्रूसली जैसे कि हमने एक सवाल पूछा था कि वो फ़ोटो किसकी है, तो बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई ने, क्योंकि यहाँ पे ब्रूसली की फोटो लगी हुई है टेक्नोवैन भाई के मेंशन में। जैसा कि आपने देखा हो भाई, इसराइल की कटिंग ब्लैक एंड वाइट वो सीक्रेट परचेज करो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरा नाम भी ले लो। ओके पत्रापा जी हम ले लेंगे बिल्कुल। ओके ब्रो ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे जो आप बोल रहे हो। ब्रो आप बस बीबी गेम के नाम पे व्यूज़ कमाते हो? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं, मेरे तो मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं ना मेरे भाई, या 2-3 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं उसमें भी भाई इतनी दिक्कत है ना। अच्छा भाई क्या बोलूँ मैं, छोड़ो भाई। वाइट कलर वाली सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए। ओके ब्रो भाई मेरे मिलियन में व्यूज़ आ रहे थे तो तुम बोल भी सकते थे भाई किसी के नाम पे मिलियन व्यूज़ छाप रहे हैं, पर साढ़े तो मैं क्या बोलूँ मैं, कभी डिस्कॉर्ड आओ वहाँ पे बात करते हैं तुमसे। गोस्ट जमानो खरीद लो, बहुत पावरफुल है सिक्योरिटी। ओके
ओके ब्रो, बिल्कुल गोस्ट वाली सिक्योरिटी। अब वैसे हमारे पास एक गोस्ट सिक्योरिटी और भी खरीदेंगे हम, कॉपी कैट। बिल्कुल भाई, और कुछ ऐसे भाई जलाने में मजा आता है यार, बंदों को मैं रिप्लाई भी देता हूँ, देख रहे सबसे बड़ी बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है वसीम भाई, बिल्कुल डगन बॉस पर अटैक कर दो। ओके ब्रो क्या बात है, चलो डगन बॉस पे भी अटैक कर देंगे। मेरा नाम ले लो सौम्य और डी पी आई भाई क्या हाल है। टेक्नो विहान भाई ने अगली एपिकोडमी इजराइल सिक्योरिटी, ये एक तो भाई तुम्हारी स्पेलिंग इतनी तगड़ी होती है ना, मैं तो समझ ही नहीं पाता। मोहित एसपी सिक्योरिटी मंगाओ। ओके ब्रो, अब देखो ये एसपी सिक्योरिटी हम लेके आ जाएंगे, फिर कुछ कुत्ते आ जाएंगे उठ के भाई कमेंट सेक्शन में, वो बोलेंगे कॉपी कर रहे हो, कॉपी व्यूज छाप रहे व्यूज, तेरी भैंस की टैंट। क्या बोलूँ भाई मैं, वेरी नाइस वीडियो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू ब्रो। ओके अपनी पूरी टीम को हाईटेक वेपन दे दीजिए। ओके ब्रो भाई हाईटेक वेपन भी दे देंगे, तुम्हारी हिंदी तगड़ी है वैसे राजपूत गेमर भाई, कुछ भी कहो। वेरी नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच मेरे भाई। हाय हेलो ब्रो क्या हाल है, चलो बढ़िया। ओके फोटो ऑफ ब्रूस ली, बिल्कुल राइट ब्रो क्या बात है भाई। क्लास अंकित की सिक्योरिटी ले लो। ओके ब्रो वेरी सून मेरे भाई, काफ़ी जल्दी लेंगे अंकित भाई की भी सिक्योरिटी, आप सब लोग कह रहे हो इतने टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल लेंगे। टेक्नो विहान क्या बात है भाई, प्लीज़ अदनान गेमिंग की निंजा सिक्योरिटी ले लो और 5 लाख भी दे रहे, छठा हम ले लेंगे। ओके ब्रो वेरी सून, निंजा सिक्योरिटी आजकल ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है क्या, चलो वो ले आएंगे कोई दिक्कत नहीं। ओपी सिक्योरिटी थैंक यू मेरे भाई, क्या बात है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कमेंट्स है। अंकित के साथ GTA वाइब वीडियो बनाना। ओके भाई सनी के साथ, ओके ब्रो बैंक के साथ GTA, अरे ये इतने कमेंट क्यों कर दिए भाई तुमने एक ही आईडी से, अरे भैंस की आंख भाई, एक दो कमेंट कर दिया करो, इतने कमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट वगैरह करने के लिए। तो आज के वीडियो का एम लाइक है 5 मिनट लाइक्स का, तो वो कंप्लीट करा दो, फिर आपको #52 देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़बरदस्त वाला, उसमें फाइट वगैरह होने वाली है। तो जल्दी जल्दी एम टारगेट कंप्लीट कर दो और 100 कमेंट्स का भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कोई नया हो तो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ आज की वीडियो कैसी लगी। जब तक चंगा फिर अगली घड़ी, बाय बाय।